फौजी बैच जिससे बढ़कर हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी अब आइए सी जी डी दो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला चादोई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करे एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करे एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सब स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है आवाज स्पष्ट है कि नहीं नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे आज मैथ्स में दोस्तों हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज यानी औसत आपके सामने पहला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है थीके? और इसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद हम बताएंगे तरीका कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन है तीस रुपए प्रति किलोग्राम तथा अड़तीस रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य तैतीस रुपए प्रति किलोग्राम हो देखिए यहां पे क्या बोल रहे है दोस्तों दो प्रकार की चावल है दो प्रकार की चावल है जिनका मूल्य अलग अलग है और उसको क्या कह रहा है मिलाने की बात कर रहा है कि किस रेशियो में मिलाए समझ रहे हैं अनुपात किस अनुपात में मिलाए कि उसका मिश्रण जो हो दोनों को मिलाने के बाद वो तैतीस रुपए प्रति किलोग्राम हो ठीक है ये क्वेश्चन है हाँ अब देखेंगे आप आपसे स्टूडेंट यहां पे अब समझने का प्रयास करेंगे देखिए दो प्रकार की चावल है पहला देखिए सॉल्व कैसे करना है सीखेंगे और एक है सेकंड दूसरा ठीक है पहला जो है वो तीस रुपए प्रति किलोग्राम है कितना है जो पहला है ध्यान दीजिएगा जो पहला है वो तीस रुपए प्रति किलोग्राम है और जो दूसरा है वो अड़तीस रुपए प्रति किलोग्राम है ध्यान दीजिएगा दोनों की मिलाने की बात करें यहां पे क्वेश्चन देखिए तीस रुपए प्रति किलोग्राम तथा अड़तीस रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य तैंतीस रुपए प्रति किलोग्राम हो अब देखिए मिलाने की बात कर रहा है इन दोनों को ठीक है तो बीच में हम रख देंगे क्या थर्टी थ्री तैतीस मिश्रण का मूल्य क्या हो तैतीस रुपए हो तो लिखने का आप लोग तरीका देखिए पहला तीस दूसरा अड़तीस पहला तीस दूसरा अड़तीस मिश्रण का मूल्य तैतीस तो आप इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे आपको फिगर बनाना है और सॉल्व कैसे करना है ठीक है ऐसे लिखेंगे अब देखिए तीस अड़तीस तैतीस सबसे बड़ा मूल्य कौन है अड़तीस है तीनों में बड़ा कौन है अड़तीस तो 38 में से 33 घटा के जस्ट इसके सामने लिखेंगे 38 में से दोस्तों 33 घटाएंगे तो क्या होगा पांच ठीक है देखिए 38 में से क्या करना है 33 को घटाना है यहां लिखना है फिर 33 में से दोस्तों इस 30 को घटाएंगे 33 में से 30 को घटा के बीच वाले में से इसको घटा के यहां पर लिखेंगे तैतीस में से तीस जा दोस्तों तो क्या हो जाएगा तीन तैतीस में से तीस जा तीन समझिए कैसे करना है देखेंगे तीनों में एक बड़ा होगा अड़तीस बड़ा है तो अड़तीस वाले में से क्या करिए जो बड़ा वाला है उसमें से बीच वाले घटाइए

आंसर होगा किस रेशियो में मिलाएंगे के रेशियो में मिलाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा समझ में आया कि नहीं या कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताएं दोबारा समझाएंगे देखिए बेसिक क्वेश्चन है अब अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो धीरे धीरे लेवल हम आगे बढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे ठीक है तो क्या होगा फाइव होगा ठीक है हाँ देखिए पहला तीस रुपए है तो पहला तीस रुपए दूसरा जो है अड़तीस है और मिश्रण का मूल्य जो मिक्सर हो मिश्रण का जो मूल्य है तो उसको कहा रखना है? बीच में रखना है, तो में से तीस घटा के, के इसके सामने ठीक है तो रेशियो आया फाइव का हाँ दोनों प्रकार के चावल को फाइव थ्री के रेशियो में मिलाएंगे तो क्या होगा मिश्रण का मूल्य तैतीस रुपए तैतीस रुपए प्रति किलोग्राम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये भी है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा छब्बीस परसेंट है उन दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया गया है क्वेश्चन हाँ, देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे सेम क्वेश्चन है देखिए 30 परसेंट एल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23 परसेंट एल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से ध्यान दीजिए प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की जो मात्रा है है वो 26 26 यानी दोनों कह रहे, उस दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया गया है दो प्रकार के क्या है शराब है ध्यान दीजिएगा दो प्रकार के पहला और दूसरा दो प्रकार के क्या है शराब है इनमें क्या है एक में तीस परसेंट है कितना है परसेंट एल्कोहल है दूसरे वाले में बोल रहा है ध्यान दीजिए हाँ जो दूसरा है यहां कह रहा है तीस परसेंट एल्कोहल की मात्रा वाले शराब में तेईस प्रकार की हाँ तेईस परसेंट एल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाया जा रहा है कितना परसेंट इसमें है तेईस परसेंट ध्यान दीजिएगा

चार, फिर उसके बाद से छब्बीस में से तेईस को घटा के यहां लिखेंगे समझ रहे ना लिखने का तरीका छब्बीस में से तेईस घटा के यहां लिखेंगे तो तो में से 23 तीन। तो जो दोनों प्रकार के हाँ, ध्यान पहला अनुपात दूसरा बराबर क्या होगा दोस्तों थ्री फोर क्या होगा थ्री फोर थ्री फोर क्या होगा थ्री फोर आंसर होगा क्या होगा यही आंसर हो जाएगा सिंपल तरीका है देखेंगे तीनों में बड़ा कौन है तीस तो तीस में से छब्बीस घटा है चार फिर छब्बीस में से इस वाले को घटा के यहां बस यही करना है तरीका बस सीख लीजिए घटाने का तो ये रेशियो थ्री फोर का तो ये पहले का है ये दूसरे का है यानी फर्स्ट इशू सेकंड क्या होगा थ्री थ्रू फोर चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 280 केजी चीनी में कुछ मात्रा भी 22 परसेंट लाभ पर तथा शेष मात्रा को 15 परसेंट लाभ पर बेच दिया और इस तरह के कुल मिलाकर 18 परसेंट लाभ प्राप्त करता है 15 परसेंट लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है ध्यान दीजिएगा आप कभी भी प्रश्न को सॉल्व करिए ये बात हम आप लोगों को हर बार बताते हैं और बार बार बताते हैं आप कभी भी प्रश्न को सॉल्व करिए चाहे मैथ्स का हो रीजनिंग का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास करिए मैथ में तो आपको बहुत ज्यादा कोशिश करना है समझने का अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए क्या कह रहा है तो आप आंसर भी दे सकते हैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन बोल ही क्या रहा है तो आप कितना सॉल्व करेंगे गलत आंसर आएगा ठीक है तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे यहां पर यह बोला है कि एक व्यापारी ने दो सौ यानी दो किलोग्राम चीनी में कुछ मात्रा क्या किया है कुछ मात्रा 22 परसेंट लाभ पर तथा शेष मात्रा 15 परसेंट लाभ पर यानी कि ध्यान दीजिएगा कुछ मात्रा कितने पे 22 परसेंट लाभ पर और शेष दोस्तों क्या किया है 15 परसेंट लाभ पे बेचा है ठीक है और क्या हुआ है इस तरह कुल मिलाकर उठे उसे क्या हुआ अठारह परसेंट का लाभ हुआ है क्या हुआ है अठारह परसेंट का लाभ हुआ है तो अठारह परसेंट लाभ को लिखेंगे बीच में ठीक है यहां पर आप सब स्टूडेंट देखेंगे यहां पर आप लोग देखेंगे और सीखेंगे देखिएगा तो आप इसको क्या करेंगे एलिगेशन रूल लगाएंगे हाँ एलिगेशन रूल लगाएंगे अब देखिएगा कुछ मात्रा बाईस और कुछ मात्रा पंद्रह परसेंट और, और क्या किया है उसे बीच में रखेंगे समझ में आप लोगों को आ रहा होगा यह चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा देखिएगा तो फिर क्या करेंगे अठारह से क्या करेंगे देखिए सबसे बड़ा कौन है बाईस बाईस में से अठारह घटांगे चार अठारह में से पंद्रह घटाएंगे तो क्या होगा तीन तो जो रेशियो है जो रेशियो है ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट जो बाईस और पंद्रह परसेंट लाभ पे जो बेचा है वो थ्री टू फोर के रेशियो में बेचा है ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट मान लेंगे एक ध्यान दीजिए जो पहला है पहला भाग ध्यान दीजिएगा जो पहला भाग है वो बाईस परसेंट जो सेकंड वाला भाग है वो पंद्रह परसेंट लाभ पे बेचा है तो जो उनका रेशियो है वो थ्री टू फोर के रेशियो में बेचा है ध्यान दीजिएगा तो ये फर्स्ट इज टू सेकेंड होगा क्या आप सभी स्टूडेंट बताएं थ्री इज टू फोर क्या होगा थ्री इज टू फोर लेकिन हम लोगों से ये चीज नहीं पूछ रहा है कि फर्स्ट इज टू सेकेंड बताइए हम लोगों से ये नहीं पूछ रहा है हम लोगों से ये पूछ रहा है पंद्रह परसेंट लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है टोटल मात्रा 280 सौ अस्सी के जी है पंद्रह परसेंट लाभ तो पंद्रह लाभ वाला कौन है सेकेंड सेकेंड है ध्यान दीजिएगा सेकेंड है पंद्रह परसेंट लाभ वाला पंद्रह परसेंट प्रॉफिट वाला है तो इसकी अगर हम बात करें तो सेकंड क्या है दोस्तों अनुपात इसका रेशियो क्या है चार है टोटल रेशियो अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है तो तीन चार जोड़ेंगे तो क्या होगा तीन चार सात होगा यानी सात भाग में चार भाग पंद्रह परसेंट में बेचा है और टोटल जो किलोग्राम है वो कितना है दो दो हाँ, सौ तो अब आ जाएगा पंद्रह परसेंट लाभ वाला कुछ नहीं करना है सात से कटाइए सात से कटाएंगे तो सात चौक अट्ठाईस चालीस चार चौक सोलह एक सौ आंसर होगा एक सौ साठ के जी एक सौ साठ के जी यह क्या होगा आंसर होगा पंद्रह परसेंट लाभ पे कितना बेचा 160 केजी के जी आप चाहे तो 280 में से 160 घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा बाईस वाला बाईस परसेंट लाभ पे अगर पूछे कितना बेचा अगर फर्स्ट पूछे ध्यान दीजिए ये तो पूछा नहीं है लेकिन हम यहां पे निकाल दे रहे हैं ताकि आप सब स्टूडेंट समझ ले हाँ 22% अगर प्रॉफिट वाला पूछे तो क्या करेंगे बाईस वाला कौन है पहला है पहला भाग 22%, तो इसका क्या है तीन और बटा का, नुपाद बटा, नुपाद समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे दो सौ अस्सी है गुने टोटल मात्रा दो सौ अस्सी है तो ये हो जाएगा सात चौक अट्ठाईस चालीस चार बारह एक सौ बीस के जी देखिए हम लोगों से पूछा है पंद्रह परसेंट लाभ वाला इसलिए आंसर होगा एक सौ साठ आंसर क्या होगा एक सौ साठ के जी हाँ ये आपका आंसर होगा एक सौ साठ के जी आंसर होगा अगर बाईस परसेंट वाला पूछता तो हम पहला का बताते तो होगा एक सौ बीस आप जोड़ के भी देख सकते हैं दोनों को तो दो सौ अस्सी हो जाएगा ठीक है या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे तीन और चार रेशियो जोड़ेंगे तो क्या होगा तीन और चार रेशियो जोड़ेंगे सात सात रेशियो बराबर 280 सौ अस्सी के जी तो एक रेशियो बराबर सात सौ 28 40 चालीस के जी तीन रेशियो बराबर क्या होगा बताइए चार तीन बारह एक सौ बीस और चार रेशियो बराबर क्या होगा चार चौ को सोलह एक सौ साठ चार रेशियो वाला कौन है सेकंड है तो आंसर दे देंगे एक सौ साठ ऐसे भी आप दे सकते थे आंसर ऐसे भी दे सकते थे रेशियो से डायरेक्ट रेशियो से तो सीखे ही है अभी इससे पहले आप लोग पार्टनरशिप पढ़े उससे पहले एज पढ़े उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन उससे पहले पढ़े हैं तो आप लोग तेज हो गए होंगे इतना कि आप लोग कंपेयर कर सकते हैं अनुपात वोट अनुपातिक योग लिखने की भी जरूरत नहीं है आप इतना ही करते तो आंसर दे देते ठीक है तो ये अलग चीज है समझाने का ठीक है तो ये बेसिक तरीका है ये भी आप समझ रहे होंगे चले नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन है किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं 75 परसेंट लड़के एवं पचासी परसेंट लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं जबकि 77 यानी 77 परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं याद कीजिए कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है यहां पे देखिएगा यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को भाषा समझेंगे क्योंकि भाषा अगर समझ गए तो आप सॉल्व कर लेंगे देखिए किसी कक्षा में ध्यान दीजिए 200 विद्यार्थी हैं ये जो विद्यार्थी की बात कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कहीं कहीं विद्यार्थी लिखा है और कहीं पे दोस्तों लड़के लिखा है कहीं पे लड़कियां लिखा है और ध्यान दीजिएगा ये जो कह रहा है दो विद्यार्थी है विद्यार्थी मतलब क्या बॉयज प्लस गर्ल ठीक है विद्यार्थी में आएंगे पंद्रह पचहत्तर लड़के लड़के का मतलब बॉयज पचासी परसेंट लड़कियां लड़किया का मतलब गर्ल उत्तीर्ण होती है जबकि सेवेंटी सेवन परसेंट विद्यार्थी विद्यार्थी का मतलब बॉयज प्लस गर्ल ठीक है और पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या मतलब बॉयज की संख्या पूछ रहा है हाँ यह चीज थोड़ा सा समझना है बहुत से स्टूडेंट विद्यार्थी मतलब क्या समझ लेते हैं सिर्फ बॉयज को काउंट करते हैं ऐसी बात नहीं है विद्यार्थी मतलब होता है ओवरऑल बॉयज और गर्ल को मिला के ठीक है तो यहां पे आप लोग देखेंगे हम लोगों के इसके पास क्या दिया है ठीक है पचहत्तर पचहत्तर पचासी परसेंट पचासी परसेंट परसेंटेज लिखिए या ना लिखिए ठीक है हाँ पचहत्तर परसेंट लड़के और पचासी परसेंट लड़किया और जबकि सेवेंटी सेवन परसेंट क्या होते हैं विद्यार्थी मतलब बॉयज और गर्ल जो मिक्सर है इनका मिक्स करके जो ओवरऑल होते हैं वो कितने होते हैं सेवेंटी सेवन तो इसको हम कहा रखेंगे बीच में रखेंगे अब बताइए आप सब स्टूडेंट बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या होगा अब यहां से आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या होगा देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या होगा देखिए तीनों में बड़ा कौन है पचासी पचासी में से सतर घटाएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा बताइए आप सब स्टूडेंट सतर तीन अस्सी पांच पचासी आठ हो जाएगा फिर उसके बाद से पचहत्तर दो सतर ठीक है हाँ, यानी कि में से पचहत्तर घटाएंगे देखिए पचासी में से सतर घटाए आठ ध्यान दीजिए फिर सतर में से पचहत्तर घटाए दो तो ये एट इंस टू टू आ रहा है देखिए जो बॉयज टू गर्ल की अगर हम बात करें तो ये क्या रहा है एट इंस टू टू एट इंस टू टू को आप छोटा कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा दो एकम दो और दो चौको आठ ये हो जाएगा फोर इंस टू वन यानी कि जो बॉयज और गर्ल का रेशियो है वो होगा फोर इंस टू वन हम लोगों से पूछ क्या रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या बॉयज की संख्या पूछ रहा है तो बॉयज की संख्या आप बता सकते हैं बॉयज की संख्या पूछ रहे तो क्या होगा बॉयज का जो रेशियो है वो चार है टोटल ओवरऑल क्या है चार एक पांच चार बटा का पांच और गुने टोटल जो संख्या है वो कितना है दो सौ है तो आप देखेंगे पांच चौक 20, बीस चालीस चार चौक को सोलह एक सौ सो साठ यही क्या होगा आंसर होगा जो बॉयज की संख्या होगी वो होगी वन सिक्सटी एक साठ बहुत अच्छे एकदम सही अगर गर्ल की संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे और गुने क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट दो सौ तो ये क्या होगा चार पच्चे बीस ध्यान दीजिएगा सॉरी पांच से है तो पांच चौको बीस ध्यान दीजिएगा पांच चौको बीस चालीस से कम चालीस जो गर्ल की संख्या होगी वो हो जाएगी चालीस लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है बॉयज आप चाहे तो टोटल जो विद्यार्थी है बॉयज और गर्ल एक दो सौ दो सौ में से एक सौ साठ घटाएंगे तो आएगा चालीस यानी कि गर्ल की संख्या आ जाएगी आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है हाँ कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं एक सौ साठ बॉयज और चालीस गर्ल वेरी गुड एकदम सही तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा विद्यार्थी मतलब क्या होता है बॉयज और गर्ल दोनों मिला के और लड़के मतलब बॉयज लड़के मतलब गर्ल बस ये चीज समझ रहे हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत होने की वाली नहीं है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है गर्ल का तो आप ओरल कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं ऐसे देख सकते हैं ठीक है या आप चाहते तो रेशियो देखते चार और एक रेशियो जोड़ेंगे या पे हाँ पे देखेंगे आप सब स्टूडेंट यहीं पे घटा लेते दो चौको आठ और दो एकम दो चार और एक रेशियो जोड़ेंगे पांच पांच रेशियो बराबर क्या है दो सौ तो हमें बताना क्या है हम लोगों को बताना क्या है बॉयज यानी चार रेशियो की वैल्यू अगर पांच रेशियो बराबर दो तो चार रेशियो बराबर क्या होगा दो सौ का पांच और गुने चार तो पांच चौक को बीस चार चौक को सोलह एक सौ सो साठ आप ऐसे भी बता सकते हैं ऐसे भी आप बता सकते हैं ठीक है हाँ। और यह तो सिंपल तरीका है बेसिक तरीका है उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा रहा है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है किसी परीक्षा में चौबीस सौ विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिसमें सत्तर परसेंट छात्र और अंठावन परसेंट छात्राएं सफल हुई यदि कुल पंद्रह सौ साठ विद्यार्थी सफल हुए हो तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे देखिए कह रहे हैं, किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिसमें सत्तर परसेंट छात्र और अंठावन परसेंट छात्र का मतलब बॉयज छात्राएं का मतलब गर्ल क्या होते हैं सफल हुए यदि 1500 यदि कुल 1560 विद्यार्थी विद्यार्थी का मतलब क्या होता है विद्यार्थी का मतलब बॉयज प्लस गर्ल 1560 विद्यार्थी क्या हुए हैं सफल हुए हैं मतलब पास हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए पहले तो आप ये देखेंगे कि कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए यहाँ पे बॉयज की तो बात कर दिया 70 परसेंट छात्र हैं अंठावन परसेंट छात्राएं सफल मतलब पास हुए हैं और ओवरऑल देखिएगा यहाँ पे कहा है 1560 विद्यार्थी क्या हुए हैं सफल हुए है. तो आप ये देखेंगे चौबीस में आप ये 1560 जो है वो 2400 का कितना परसेंट है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1500 क्या है 1560 1560 विद्यार्थी हैं कितने में दोस्तों 2400 में सफल हुए तो ओवरऑल देखेंगे कितने परसेंट विद्यार्थी यानी बॉयज और गर्ल सफल हुए बीच वाला समझ रहे तो यहाँ पे आप करेंगे 1560 बटा 2400 गुने हाँ गुने सौ परसेंटेज में बताना है गुने सौ कुछ नहीं करना है दो जीरो से दो जीरो कटा लीजिए आप इसको कटा सकते हैं बारह दुना के चौबीस ध्यान दीजिएगा बारह से कटाइए बारह एकम बारह तीन छत्तीस एक सौ तीस दो से कटेगा दो छ के बारह दो पचे दस यानी कि सिक्सटी फाइव परसेंट क्या हुआ ओवरऑल जो विद्यार्थी है वो सिक्सटी फाइव परसेंट है यानी ये जो पंद्रह साठ है ये पंद्रह साठ है ये पैंसठ परसेंट है क्या है यानी कि पैंसठ परसेंट विद्यार्थी क्या हुए हैं सफल हुए हैं अब देखिएगा वॉयस गर्ल और ओवरऑल बॉयज प्लस गर्ल यानी कि जो बॉयज है वो कितने हैं दोस्तों सेवेंटी परसेंट गर्ल कितनी अब आप लोग आंसर दे सकते हैं अब आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए ध्यान दीजिएगा छात्र की बात कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे छात्र की बात कर रहे हैं मतलब बॉयज की छात्राओं की नहीं देखिए सत्तर में से पैंसठ घटेगा पांच फिर देखिए पैंसठ में से अंठावन जा, तो क्या होगा पूछ रहा है ब्वाएज। ब्वाएज की संख्या पूछ रहा है।, है तो बॉयज का रेशियो क्या है सात ओवरऑल रेशियो सात पांच बारह अनुपात बटानुपातिक योग होता है ठीक है अनुपात बटा अनुपात मतलब सात पांच बारह बारह में सात भाग लड़के हैं और ओवरऑल टोटल लड़के कितने हैं बताइएगा आप सभी स्टूडेंट सम्मिलित होने की बात कर रहा है ये नहीं कह रहा है कि कितने बॉयज पास हुए ये नहीं बोल रहा है ध्यान दीजिएगा यहां सम्मिलित की बात कर रहा है कितने सम्मिलित हुए चौबीस सौ हुए हैं तो चौबीस में इसका वो करेंगे ठीक है हाँ तो यहां पर देखेंगे बारह से कटाएंगे बारह दुना के चौबीस दो सौ सात दुना के चौदह सात दुना के चौदह यानी कि चौदह सौ यह आंसर होगा हाँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये सिक्सटी फाइव परसेंट कैसे आया है ओवरऑल हम परसेंटेज प्रतिशत आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट ऐसे हैं ऐसे कितने परसेंट विद्यार्थी हैं विद्यार्थी मतलब बॉयज प्लस गर्ल जो पास हुए हैं तो वो पैंसठ परसेंट है उसी पैंसठ परसेंट को बीच में रखें ठीक है हाँ। नोट करते रहिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट्स जरूर बनाइए नोट्स जरूर बनाइए कॉपी में नोट किया करिए प्रश्नों को जाएगा डायरेक्ट बोलेंगे गर्ल की संख्या एक हजार या आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं गर्ल की संख्या अगर हमसे पूछे तो गर्ल का रेशियो क्या है पांच है देखिएगा और कितने में टोटल ओवरऑल सात पांच बारह और टोटल कितने हैं चौबीस सौ है हाँ, तो तो देखिएगा दूना दूना के 24, 205 के 10, 1000. अगर आपको इतना इतना करना है तो आप करिए या डायरेक्ट ओवरऑल में बस घटा लेंगे तो बचेंगी क्या ठीक है तो गर्ल का पूछे तो आप ये बता सकते हैं ठीक है हाँ उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन है दो सौ पचास रुपए अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर बीस का लाभ प्राप्त हो क्वेश्चन को एक बार समझिए आप लोग तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से समझना है दो सौ रुपए वाला प्रति किलोग्राम यानी दो सौ रुपए प्रति किलोग्राम एक वाली एक चाय है और एक दो सौ रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय है कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला है कि अगर हम तीन सौ रुपए प्रति किलो बेचे तो क्या हो 20 प्रतिशत का लाभ हो तो पहले आप क्या करेंगे मिश्रण का मूल्य लाएंगे क्या लेंगे मिश्रण का मूल्य यहाँ पे लाभ वाले को बीच में नहीं रखना है आप क्या लाएंगे मिश्रण का मूल्य ध्यान दीजिएगा मिश्रण ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे मिश्रण का मूल्य पहले आप मिश्रण का मूल्य लाएंगे मिश्रण का मूल्य क्या होगा देखिए मिश्रण का मूल्य कैसे लाएंगे तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 20 परसेंट का लाभ हो रहा तीन मतलब सौ चौबीस रुपए में बेचेंगे तो 20 परसेंट का लाभ और 20 परसेंट का लाभ का मतलब क्या होता है 120 परसेंट यानी कि 120 सौ परसेंट तीन के बराबर है तो 100 परसेंट का मान लाएंगे ठीक है तो देखिए मिश्रण का मूल्य क्या होगा ध्यान दीजिएगा एक बराबर तीन चौबीस तो मिश्रण का जो मूल्य होगा वो क्या होगा हंड्रेड तो परसेंट 100 बताना है बराबर बराबर तो तो क्या क्या होगा होगा बटा का 120 और गुने ठीक है ध्यान दीजिएगा से आप कटा लेंगे इसको ठीक है हाँ छह से आप कटा लीजिए छह पच्चे तीस छो चौबीस पांच चौको बीस पांच पच्चे पच्चीस दो सत्ताईस दो सौ सत्तर आ रहा है क्या रहा है आप लोगों का मिश्रण का मूल्य आप लोगों का क्या रहा है बताइए एक बार यहां पे देखिए गुना करना है देखिए छह पच्चे तीस छे चौक चौबीस पांच को जीरो हासिल दो पांच पच्चे पच्चीस दो सत्ताईस दो सौ सत्तर आ रहा है कि नहीं ये मिश्रण का मूल्य आया है मिश्रण का जो मूल्य है हंड्रेड परसेंट यानी कि दो सौ सत्तर रुपए आया है अब देखिए दो प्रकार के क्या है चाय है पहला और एक है दूसरा जो पहला है वो कितना है दो सौ पचास रुपए प्रति किलोग्राम ध्यान दीजिएगा दो सौ रुपए प्रति किलोग्राम सेकेंड जो है वो दो क्या है अस्सी है दो है जो मिश्रण का मूल्य है बताए मिश्रण का मूल्य कितना आया है आप लोगों का मिश्रण का मूल्य निकालना आप लोग सीखेंगे यहां कह रहा है तीन सौ रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20 परसेंट का लाभ हो मतलब तीन सौ रुपए में बेचने तो 20 परसेंट का लाभ तो हमें मिश्रण का मूल्य लाना है लाभ नहीं लाना है पहले ठीक है देखिएगा तो मिश्रण का मूल्य 270 आ रहा है वेरी गुड बहुत अच्छे तो ये मिश्रण का मूल्य होगा 270 ठीक है अब देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे 280 में से 270 जा देखिएगा 280 में से 270 जा खुद 10 270 में से 250 इधर लिखेंगे 270 में से 250 घटाएंगे 20 यानी 10 इज टू 20 आ रहा है ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट फर्स्ट इज टू सेकंड बराबर 10 इज टू 20. तो आप इसे कर लेंगे दस से कम दस दस दुना के बीस क्या होगा तो प्रति किलोग्राम बेचे तो बीस प्रतिशत का लाभ होगा तो जो रेशियो होगा वो वन इज टू टू का होगा और यही क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा यही क्या होगा आंसर होगा हाँ। बताए समझ में आया कि नहीं एक बार हाँ, समझ में आ गया होगा मिश्रण का मूल्य पहले निकाले उसके बाद से ये दो सौ सत्तर बीच वाला वन इज टू टू के रेशियो में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें दो सेकंड क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन है दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य अड़तीस रुपये प्रति किलोग्राम और बयालीस किलो मात्रा में मिलाए जाते हैं और पैंतालीस रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाते हैं प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा अभी पिछला क्वेश्चन आप लोग किए ना हाँ तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ठीक है उसी से क्या है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कहने का मतलब है दो प्रकार का चावल है जिनका मूल्य क्या है अड़तीस रुपए प्रति किलोग्राम मतलब अड़तीस रुपए के जी और ये क्या है बयालीस रुपए के जी ध्यान दीजिएगा बयालीस रुपए प्रति के जी समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और कह रहे पैंतालीस रुपए प्रति किलोग्राम पैंतालीस रुपए प्रति किलोग्राम समान मात्रा में मतलब क्या वन इंस्टू वन के रेशियो में मिलाया जा रहा है मतलब अगर ये एक किलो मिलाया जाए तो ये भी एक किलो मिलाया जाएगा अगर ये, ये दस किलो मिलाया जा रहा है तो ये भी दस किलो मिलाया जाएगा ठीक है इस प्रकार से मिलाया जा रहा है और कह रहे हैं पैंतालीस रुपए प्रति किलोग्राम भाव बेचे जाए पैतालीस रुपये प्रति किलो बेचे तो लाभ क्या होगा देखिए समझिएगा अगर हम ले अड़तीस रूपये जो प्रति किलोग्राम वाला है अड़तीस रुपये ध्यान दीजिएगा अड़तीस रुपये प्रति किलोग्राम वाला अगर हम एक के जी ले तो मूल्य क्या होगा अड़तीस रुपये बयालीस रुपए प्रति किलोग्राम वाला अगर हम एक के जी ले दोनों एक एक के जी ले रहे तो क्या होगा बयालीस रुपए दोनों को अगर हम जोड़ देंगे अगर दोनों को जोड़ रहे हैं दोनों को जोड़ रहे तो मूल्य क्या हो जाएगा बताइएगा अड़तीस और बयालीस जोड़ेंगे अस्सी रुपए ये अस्सी रुपए का कितना हुआ है बताएं आप सब स्टूडेंट अस्सी रुपए का दो के जी है तो इनके जो मिक्सर का मूल्य होगा वो क्या होगा ध्यान दीजिएगा अड़तीस रुपए बयालीस रुपए अस्सी रुपए और ये एक के जी ये, है, ध्यान ये एक केजी है ये भी आपका एक केजी है ठीक है समझिएगा आप सब स्टूडेंट एक, एक दो के जी तो दो से भाग करेंगे तो क्या आएगा चालीस जो मिक्सर का मूल्य आएगा जो मिक्सर का मूल्य आएगा वो आएगा चालीस चालीस रुपए प्रति के जी आएगा और चालीस रुपए वाले को हम बेच कितने में रहे हैं पैंतालीस रुपये प्रति के जी तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है पांच रुपए प्रति के जी का तो हमें बताना है प्रतिशत में कितने का हो रहा है तो पांच का प्रॉफिट हुआ है किससे हो रहा है चालीस पे और गुने सौ तो बीस दुना के चालीस बीस पच्चे सौ पांच पच्चे पच्चीस बटा का दो पच्चीस बटा का दो का मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट आंसर होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट हाँ, हाँ बारह दशमलव पांच प्रतिशत यही चीज आपको थोड़ा सा समझना है अगर हम दोनों में एक एक के जी ले लें तो दो के जी हो जाएगा और दो के जी का मूल्य अगर अस्सी रुपए है तो एक के जी का मूल्य क्या आएगा चालीस रुपए प्रति के जी यानी मिश्रण का मूल्य चालीस है और उसको हम बेच रहे हैं पैंतालीस में हाँ. अब आप चाहें तो यहां पे देख भी सकते हैं ये अड़तीस है ये बयालीस है और ये मिश्रण का मूल्य चालीस है तो रेशियो देखिएगा समान आएगा रेशियो समान बोला ही ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को टू इंस टू टू का मतलब टू दो एक दो एकम दो वन इंस टू वन यही तो बोल रहा है ना कि समान मात्रा में मिलाया जा रहा है तो मात्रा तो समान दिया है तो यहां पे रेशियो ऐसे करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है हाँ यहां पे यह बोला है कि पैंतालीस रुपए हाँ पैंतालीस रुपए प्रति के जी बेचे तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा तो मिश्रण का मूल्य तो आपका यहीं पे आ गया ना अड़तीस रुपए है बयालीस रुपए है दोनों को मिला दिए दो के का मूल्य है कितने रुपए अस्सी रुपए तो एक के का मूल्य क्या होगा चालीस रुपए ठीक है तो चालीस रुपए वाली वस्तु को हम पैंतालीस रुपए बेच रहे हैं यानी चालीस रुपए प्रति किलो वाले को पैंतालीस रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट साढ़े बारह परसेंट का लाभ ठीक है हाँ तो प्रतिशत लाभ होगा साढ़े बारह परसेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन कह रहा है चालीस रुपए प्रति केजी तथा पच्चीस रुपए प्रति केजी के दो प्रकार के चावल को फोर इंटू वन के अनुपात में मिलाया जाता है प्राप्त मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा देखिए चालीस रुपये प्रति किलोग्राम मतलब चालीस रुपए के जी और एक है पच्चीस रुपए प्रति के दो प्रकार के चावल को फोर इंस टू वन के अनुपात में मिला जाता है फोर इंस टू वन के अनुपात में मान लेंगे आप सभी स्टूडेंट ये जो है ये जो है फोर यानी चार और ये जो है एक चार के जी और ये के जी तो चालीस ध्यान दीजिएगा चालीस गुणे चार तो ये क्या हो जाएगा अगर चालीस रुपया के जी है और चार के जी होगा तो क्या होगा एक सौ साठ 160... हाँ ध्यान दीजिए चालीस रुपए प्रति के जी है तो चार किलो है तो एक सौ साठ रुपए का होगा समझ में आ रहा है अब देखिए एक पच्चीस रुपए प्रति केजी है और कितना मिलाया जा रहा है के रेशियो में तो ये क्या होगा पच्चीस रुपए का होगा कह रहा है यहां पे ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट कह रहा है क्या मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य ठीक है हाँ मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य तो यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिए इन दोनों को अगर जोड़े एक प्लस एक प्लस पच्चीस ध्यान दीजिएगा चार के जी है ये एक के जी है टोटल के जी कितना हुआ पांच के जी तो एक सौ साठ प्लस पच्चीस और बटा का क्या होगा चार प्लस एक मतलब पांच यही तो होगा तो आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक सौ साठ पच्चीस जोड़ेंगे तो एक सौ पचासी होगा और चार एक पांच के जी होगा अब क्या करिए पांच से भाग कर दीजिए मिश्रण का मूल्य आ जाएगा पांच से जब इसको कटाएंगे तो देखिएगा पांच यही पंद्रह पांच सत्य पैंतीस जो मिश्रण का मूल्य होगा सैतीस रुपए ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट जो मिश्रण का मूल्य होगा प्रति के रेशियो में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं दो से गुना कर लीजिए आठ के जी दोजी ले लीजिए दस से गुना कर लीजिए चालीस के जी दस के जी ले लीजिए तो सिंपल है छोटा ही लीजिए ठीक है बताइए समझ में आया थर्टी सेवन रुपए प्रति के जी वेरी गुड एकदम सही हाँ तो हम लोगों से पूछा गया है मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा तो सैतीस रुपए प्रति किलोग्राम होगा ये आंसर आ जाएगा सभी स्टूडेंट समझ गए हैं उम्मीद करते हैं समझ गए क्योंकि सभी स्टूडेंट अक्सर कॉमेंट कर रहे हैं समझ में आ गया है ठीक है सिंपल है सिंपल है कुछ नहीं करना है पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन ध्यान दीजिएगा इससे पहले क्या किए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर एट किए क्वेश्चन नंबर सेवन किए ठीक है हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन है छत्तीस रुपए प्रति किलोग्राम की बारह किलोग्राम की चावल के साथ दूसरे प्रकार की अठारह किलोग्राम दाल ध्यान दीजिएगा हाँ ये दाल है किलोग्राम की दाल के साथ दूसरे प्रकार की 18 किलोग्राम दाल की मात्रा मिला दी जाती है यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य बयालीस रुपए प्रति केजी यानी किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार की दाल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था यह देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है कौशन को अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है हाँ और आप समझेंगे भी देखिए दो प्रकार की दाल है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट दो प्रकार की दाल है फर्स्ट और सेकेंड समझिएगा आप सब स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा भाषा समझना है छत्तीस रुपए प्रति केजी है 30 प्रति केज किलोग्राम हैलोग्राम प्रति, प्रति किलो है इसका रेट ठीक है और ये कितना है बारह किलोग्राम ध्यान दीजिएगा ये बारह किलोग्राम ऊपर लिखना है ठीक है देखिएगा ऊपर लिखे हैं बारह समझिएगा आप सब स्टूडेंट दूसरे प्रकार की अठारह किलोग्राम दाल कितना बारह के जी है ठीक है बारह के जी यहां पर थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं ये रुपए में लिख देते हैं हाँ छत्तीस रुपए प्रति के जी है ये अठारह के जी ध्यान दीजिएगा दूसरा है अठारह के जी अठारह के जी अब ये नहीं लिखा है कितना रुपया है ठीक है कह रहा है कि प्राप्त मिश्रण को बयालीस रुपए तो इसे हम मान लेंगे ये एक सौ प्रति के जी है प्रति के जी भी आप लिख सकते हैं प्रति के जी भी लिख सकते हैं कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अब क्या करें रहे बयालीस रुपए प्रति के जी बयालीस रुपए प्रति के जी ठीक है मिश्रण का मूल्य क्या है बयालीस रुपए प्रति के जी अब देखिए अब एक्स की वैल्यू आप बता सकते हैं अब एक्स की वैल्यू बता सकते हैं देखिए

ऐसे हाँ, लिख सकते हैं X 42 बाई 6, यही यही तो तो हो रहा है हाँ, first is to second, यही तो है ये चीज समझ में आया बराबर क्या होगा फर्स्ट इज टू सेकेंड यानी फर्स्ट बाई सेकेंड यानी बारह बटा अठारह बारह बटा अठारह एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी आप लोगों की बताए, दुना के बारह छेत्री अठारह तीन से कट जाएगा तीन दुना के छह दो चार यानी एक्स माइनस बयालीस बराबर चार ये चार देखिएगा प्लस में है ये माइनस में बयालीस तो तो में होगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा बताए आप सभी स्टूडेंट बयालीस चार छियालीस एक्स बराबर क्या आएगा तो यहां पे पूछा है दूसरे प्रकार की दाल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था तो दूसरे प्रकार की दाल का मूल्य छियालीस रुपए प्रति किलोग्राम था यही आंसर हो जाएगा समझ में आया कि नहीं बताए अब आप, आप देख भी सकते हैं इसमें ऑप्शन भी रहता है आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पे छियालीस रख के भी आप देख सकते हैं ठीक है थीके? हाँ तो रेशियो आपका रेशियो आपका देख सकते हैं किलोग्राम पे भी देख सकते हैं लेकिन सिंपल है आप एक सौ रुपये मानेंगे ठीक है मानें हाँ आंसर आ रहा है छियालीस बताए कहीं पे कोई किसी को दिक्कत हो तो बताए दोबारा भी समझा सकते हैं दिक्कत किसी को कोई होनी नहीं चाहिए बस आप लोगों को यही देखना है कि ये कितना है बारह के है ये अट्ठारह के है ठीक है

आप इसको भी ऐसे कर सकते थे समझिएगा आप सब स्टूडेंट तो ये क्या होता ध्यान दीजिएगा यानी कि x बटा तो चार से करते तो क्या होता ध्यान दीजिएगा 800 ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट गलत नहीं होनी चाहिए ध्यान दीजिएगा हाँ दो चार दुना के आठ सौ माइनस फोर तो फोर इधर आएगा तो क्या हो जाता हाँ फाइव हो जाएगा क्योंकि

हाँ, ऐसे आप भी इसको भी कर सकते हैं X है और इसका दो सौ माइनस एक्सोल दो ऊपर कैसे लिखे देखिए छत्तीस रुपए प्रति किलोग्राम है कितना है बारह के जी है तो बारह के जी हो गया दूसरा कह रहा है अठारह किलोग्राम है अब इसका दाम बताना है कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम होगी कि जो मिश्रण का मूल्य है वो बयालीस रुपए हो तो इसे लिए है। है हैं। अब कुछ बयालीस घटेगा तो, 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 तो देखिए क्या आ रहा है बयालीस से अधिक आ रहा है छियालीस समझ में आया कि नहीं तो इसलिए एक्स माने थे तो एक्स माइनस बयालीस फिर बयालीस माइनस छत्तीस ऐसे ये चीज समझना है तो एक्स माइनस बयालीस बटा छ बराबर बारह बटा अठारह समझ रहे हैं बारह मतलब पहला बारह के जी है तो यहां से आपका प्रति किलोग्राम आ गया जो दूसरे प्रकार का आपका दाल था वो कितना आ गया प्रति किलोग्राम ये आंसर होगा सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें हंड्रेड परसेंट सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एस एस सी मेकर ऐप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेन और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो आपका पिछला क्लास हुआ था उसमें एक से लेके एक से लेके नौ तक क्वेश्चन करा चुके हैं ठीक है अब ये जो आपका सेकंड क्लास है इसमें हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर दस से तो क्वेश्चन नंबर दस को एक बार आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से तो देखेंगे क्वेश्चन है पैंतीस लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात फोर है इस मिश्रण में सात लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए अगर इस मिश्रण में सात लीटर और पानी मिला दे तो जो नया मिश्रण होगा उसमें तो देखिए यहां पे क्या है एक मिश्रण है कितने लीटर का है पैंतीस लीटर का है जिसमें क्या है दूध और पानी है ध्यान दीजिएगा दूध और पानी है अनुपात क्या फोर इंस टू वन है ध्यान दीजिएगा मिल्क है और वाटर है इनका रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का देखिएगा रेशियो क्या है फोर इज टू वन का है क्या है फोर इज टू वन का है अगर हम रेशियो जोड़े ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अगर हम रेशियो जोड़े तो चार के रेशियो में क्या है दूध एक के रेशियो में पानी तो चार एक क्या होगा पांच यानी कि फोर प्लस वन क्या होगा फाइव और यही दोस्तों पांच रेशियो कितने लीटर के बराबर है टोटल अगर मिल्क और वाटर जोड़ रहे हैं तो रेशियो में पांच आ रहा है और टोटल पैंतीस लीटर है तो पांच रेशियो बराबर दोस्तों क्या है लीटर है तो रेशियो बराबर क्या होगा को सात से भाग करेंगे पैंतीस बटा पांच यानी कि एक रेशियो बराबर सात लीटर जब एक रेशियो बराबर सात लीटर है तो चार रेशियो बराबर क्या होगा आप सब स्टूडेंट बताएं चार रेशियो बराबर क्या होगा सात चौक अट्ठाईस सात चौक अट्ठाईस और एक रेशियो बराबर सात है तो सात अब देखिए हम लोगों से बोल क्या रहा है हम लोगों से बोल रहा है इस मिश्रण में सात लीटर पानी और मिलाने पर क्या पानी मिलाने की वाटर मिलाने की बात कर करें कोई दिक्कत नहीं मिला लेते हैं प्लस सात तो जो नया होगा उसमें दूध क्या रहेगा अट्ठाइस ही रहेगा दूध की मात्रा नहीं आपकी बढ़ेगी पानी की ही मात्रा बढ़ेगी तो साथ साथ क्या हो जाएगा ये चौदह हो जाएगा तो अट्ठाइस और चौदह का क्या होगा रेशियो होगा अट्ठाइस और चौदह का नया में रेशियो होगा आप इसको छोटा भी कर सकते हैं चौदह एकम एक चौदह और चौदह दुना के अट्ठाइस जो नया मिश्रण होगा तो उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो होगा टू इज वन क्या होगा टू इज वन और यही क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा टू इज वन हाँ दो अनुपातें एक बताए कितने स्टूडेंट का आंसर आया टू इज वन वेरी गुड बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन है उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें देखिए मिलाने की बात क्या कहा है हम लोगों से सात लीटर पानी पानी मिलाने की बात क्या है तो पानी में मिलाएंगे दूध मिलाने की बात करता तो दूध मिलाते ठीक है तो टोटल जो मा, मा, जो मिश्रण होगा ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अट्ठाईस दूध होगा और चौदह पानी अगर टोटल बात कर ले कितने लीटर का हो जाएगा तो पैंतीस है सात मिल गया बयालीस तो बयालीस में टू टू वन का रेशियो है ठीक है सिंपल हाँ, है कुछ करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिएगा मोस्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन है पैंतालीस लीटर के एक मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात सेवन इंस टू टू है यदि मिश्रण में तरल बी ग्यारह लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आप लोग अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन कराए बताएं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है दो प्रकार के तरल है एक है ए और दूसरा है बी और ध्यान दीजिएगा 45 लीटर का मिश्रण है तरल ए और बी का तरल ए और बी का जो अनुपात है वो सेवन इज टू है क्या है सेवन इज टू टू का अनुपात है ठीक है अगर हम रेशियो जोड़े सात और दो यानी कि सेवन प्लस इक्वल टू क्या होगा नाइन क्या होगा इज इक्वल टू नाइन यानी कि सात दो जोड़ेंगे रेशियो नौ यही नौ रेशियो दोस्तों कितने लीटर के बराबर है पैतालीस लीटर के नौ रेशियो बराबर पैंतालीस लीटर तो एक रेशियो बराबर बटा यानी कि पांच लीटर रेशियो बराबर जब लीटर है तो सात रेशियो बराबर क्या होगा बताए गुना करना है बस पांच से तो सात रेशियो बराबर क्या होगा एक रेशियो बराबर पांच तो सात रेशियो बराबर पांच सत्ते पैंतीस लीटर दो रेशियो बराबर क्या होगा एक रेशियो बराबर पांच तो दो रेशियो बराबर पांच दुना के दस हाँ, क्या करना है गुने पांच करना है ठीक है यही तो करना है गुने पांच ठीक है तो ये 35 लीटर तरल ए है और 10 लीटर क्या है तरल बी है ध्यान दीजिएगा समझिएगा आप सब स्टूडेंट तरल ए कितना है 35 और ये तरल बी 10 35 10 पैंतालीस ठीक है अब हम लोगों से कह रहा है यदि मिश्रण यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिला दिया जाए अगर मिश्रण में 11 लीटर बी का मिला दिया जाए तो बी वाला किसमें मिलेगा बी में ही मिलेगा तो प्लस ग्यारह तो नया जो होगा वो ये होगा थर्टी फाइव ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा ग्यारह और दस मिलके क्या होंगे दस प्लस ग्यारह इक्कीस हो जाएंगे तो कटा लीजिए सात पचे पैंतीस और सात तो वाला जो आपका मिश्रण होगा उसमें ए और बी का जो अनुपात होगा यानी इज टू जो बी होगा वो क्या होगा फाइव टू थ्री क्या होगा फाइव टू थ्री और यही आपका क्या होगा आंसर होगा हाँ आंसर होगा क्या फाइव टू थ्री उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन को देखिए तरल ए मिलाने की बात करता तो पैंतीस में मिलाते बी मिलाने की बात करें तो ग्यारह में मिला ठीक है सिंपल है कुछ करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर आ रहा है हाँ उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप लोगों को अगर कहने में दिक्कत हो रही है शर्म महसूस हो रहा होगा तो आप हम इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर इस वाले क्लास में इस क्वेश्चन को हम अच्छे से नहीं समझ पाए दोबारा समझाए ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन क्वेश्चन है है ध्यान से देखेंगे है, एक मिश्रण में चीनी तथा दूध फोर इंस टू फाइव के अनुपात में है यदि इसमें सात लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात टू इंस टू थ्री हो जाता है चीनी का कुल मात्रा लीटर में क्या है चीनी की कुल मात्रा लीटर में क्या है ये पूछ रहा है देखिए सिंपल क्वेश्चन है आंसर आप लोग दे सकते हैं हाँ, देखिए क्वेश्चन को देखेंगे एक मिश्रण में चीनी तथा तो दूध के अनुपात में है यदि इसमें सात लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में ध्यान दीजिएगा चीनी तथा तो दूध का अनुपात टू इंस टू थ्री हो जाता है पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा कितनी है ध्यान दीजिए यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे आप देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों को पता भी होगा याद भी होगा ठीक है देखिए मान लेंगे जो चीनी है वो फोर एक्स लीटर है जो दूध है वो फाइव एक्स लीटर है ध्यान दीजिएगा तो हम लोगों से बोल क्या रहा है इसमें सात लीटर दूध मिलाने की क्या बात कर रहा है मिलाने की बात क्या कह रहा है यहां पे पहले देखेंगे क्या मिलाने के सात लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा है तो ये देखिएगा फोर एक्स बटा में फाइव एक्स

दस एक्स प्लस दो सत्य चौदह यह दस एक्स बराबर को उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में बारह एक्स में से दस एक्स जाएगा तो क्या होगा टू एक्स तो इधर हो जाएगा टू एक्स बराबर क्या होगा चौदह तो एक्स बराबर क्या होगा चौदह बटा का दो यानी कि सात एक्स बराबर जब हम लोगों के पास आ गया सात हम लोगों से पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा क्या पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा लीटर में तो ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट जो चीनी की मात्रा है चीनी की मात्रा चीनी की कुल मात्रा लिख देते हैं चीनी की कुल मात्रा कुल मात्रा कितना है आप सभी स्टूडेंट बताएं जो चीनी है ध्यान दीजिएगा चीनी जो है, वो फोर एक्स है। क्या है फोर एक्स है तो ध्यान दीजिएगा फोर, तो फोर एक्स बराबर क्या होगा चार गुने एक्स की वैल्यू क्या है सात तो चार गुने सात मतलब चार सत्ते अट्ठाइस लीटर ये लीटर में पूछ रहा है तो लीटर में ही आंसर देंगे हाँ आप लोग सोच रहे होंगे किलो में होगा किलोग्राम में नहीं लीटर में बोल रहे तो लीटर देंगे अट्ठाइस आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये क्या है मेथड वन है अभी एक और मेथड बता रहे हैं ये मेथड वन है और बेसिक तरीका है उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे देखिए अगर हम लोगों से बात करें दूध मिलाने का ध्यान दीजिएगा दूध मिलाने की बात किया तो दूध में मिला अगर चीनी मिलाने की बात करता तो फोर में मिलाते ध्यान दीजिए ये चीनी है पहला दूसरा दूध है यही चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है हाँ बहुत अच्छे एकदम सही देखिए यहाँ पे जो भी क्लासेस आपकी चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है जीरो लेवल से चल रही है चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए मन लगा के तैयारी करिए कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो बताएंगे आप लोग बहुत अच्छे देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं मैथड टू आप लोग थोड़ा सा देखेंगे हाँ मैथड टू की बात अगर हम करें तो हम लोगों के पास क्या है चीनी है और दूध है चीनी को सुगर एस से मिल्क कर दे रहे क्या है? 4 is 4 is हाँ। मिलाने की क्या बात कर रहे हैं सात लीटर दूध मिलाने की बात कर रहे हैं मिलाने पे हो क्या रहा है चीनी और दूध का अनुपात टू इंस टू थ्री हो जा रहा है टू इंस टू थ्री हो जा रहा है ध्यान दीजिएगा टू इंस टू थ्री हो रहा है हाँ यहां पे आप लोग देखेंगे रेशियो को बैलेंस करना भी हम आप लोगों को सिखाए हैं यहां पर देखिए पांच से तीन हो रहा है पांच से तीन होगा मिलाने पर नहीं ध्यान दीजिएगा मिलाने की बात क्या क्या है हम लोगों में हम लोगों से कहा है सात लीटर दूध मिलाया जाता है दूध मिलाने की बात करे कितना सात इसी में मिलाना है, है समझिएगा से, तो 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 से गुना कर दे ध्यान दीजिएगा दो से तो ये दो के क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ये दो तीन क्या होगा छ होगा यानी फोर होगा ये देखिए जो शुगर है यह मिलाने की बात नहीं रहा तो यह चार से चार ही रहेगा लेकिन यह देश

अट्ठाईस लीटर आंसर हो जाएगा हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं हाँ देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना है चीनी मिलाने की बात नहीं क्या है लेकिन दो के रेशियो में तो इसको बराबर करिए चार के तो दुगो गुना दो गुना करेंगे तो दो गुना क्या चार यानी कि चीनी अपने जगह पे है। चार के रेशियो में हो गया तो इधर भी दो से गुना करेंगे तो ये छे हो गया पांच से छ हुआ रेशियो में बढ़ा एक पांच से छ हुआ रेशियो में बढ़ा एक दूध कितना लीटर बढ़ा है सात लीटर हाँ, तो एक रेशियो बराबर तो चार लीटर हम लोगों को सीनी पूछ रहा है तो चार रेशियो बराबर ठीक अट्ठाईस देखिए अगला क्वेश्चन देखें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तेरह क्वेश्चन नंबर तेरह ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ध्यान से देखेंगे और ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं ठीक है तो अच्छे से देखें क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40 परसेंट चीनी है इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50 परसेंट हो जाए देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे इसके लिए हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसके लिए हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहे बहुत आसान तरीका आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी टोटल जो घोल का मात्रा है जो घोल है मिश्रण जो है वो कितने ग्राम का है 300 ग्राम का है इसमें 40 परसेंट क्या है चीनी है और मिलाने की बात क्या कह रहे हैं चीनी कितनी और चीनी मिलाई जाए ध्यान दीजिएगा कि इस घोल में 50 परसेंट हो जाए ध्यान दीजिए जिससे वह इस घोल में यानी चीनी की जो मात्रा है पचास परसेंट हो जाए सिंपल भाषा में कहे तो ये ध्यान दीजिएगा ये 300 ग्राम का मिश्रण है 300 ग्राम का घोल है ठीक है इसमें क्या है शुगर ध्यान दीजिए चीनी यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे यहां पर साइड में हमें लिखना क्या है दो चीज है ध्यान दीजिए पानी भी है और इसमें चीनी भी है तो हम लोगों से देखिए पूछ क्या रहा है कितनी ग्राम चीनी मिलाई जानी चाहिए ये चीनी मिलाने की जो मिलाने की बात करेगा उसी को यहां पे लिखना है ठीक है हा जो मिलाने की बात करेगा उसी को यहां लिखना है तो इसमें क्या है चालीस परसेंट चीनी है तो यहां पे चीनी दिया हो चालीस परसेंट चीनी है और कह रहे हैं इसमें कितनी चीनी मिला दे जिससे कि इसकी मात्रा क्या हो जाए पचास हो जाए चालीस से क्या हो जाए पचास हो जाए अब सिंपल भाषा में समझेंगे अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कुछ स्टूडेंट समझ रहे तीन सौ ग्राम का टोटल जो जो घोल है वो ग्राम का है। हमें करना क्या है चालीस से पचास करना है तो कितने की वृद्धि करना है दस की तो तीन सौ गुण दस और ध्यान दीजिए तीन सौ गुने दस और बटा में हंड्रेड माइनस मिश्रण में चीनी की नई मात्रा मिश्रण में चीनी की जो नई मात्रा हो क्या है पचास तो सौ में से बस पचास को घटा देना है ठीक है हंड्रेड माइनस फिफ्टी अभी आपका डायरेक्ट आंसर आएगा तीन सौ तीन सौ दस और बटा में क्या होगा सौ में से पचास जा पचास अब देखिए पचास छक्के छक्के हाँ, तीस छह मिलाई जाने वाली चीनी की जो मात्रा होगी वो होगी साठ ग्राम बताए कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप सभी स्टूडेंट बताए देखिए एक बार और समझाते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है तीन सौ ग्राम है चीनी की मात्रा 40 परसेंट है बोल रहा है इसमें कितनी चीनी मिला दे कि ये पचास परसेंट हो, हो जाए टोटल मात्रा 300 का है हमें 40 से क्या करना है? 50 करना है है 50 तो गुने बटा में में 100 100 माइनस मात्रा से 50 को घटाएंगे तो बटा 50, तो 50 छ के तीन सौ छह गुने दस स्टार्ट गर्म मिलाई जाने वाली जो चीनी की मात्रा होगी स्टार्ट ग्राम हो जाएगी बस इतना ही करना है आप लोगों को ठीक है हाँ रिपीट तो कर दिए दोबारा समझा दिए अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में भी कराए थे आप लोगों को पता भी होगा ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में कराए थे मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज परसेंटेज में में तो कराए हैं प्रतिशत वाला आप लोग एक बार क्लास देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौदह ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है पच्चीस लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा छह परसेंट है तद घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए जिसकी नमक की मात्रा पांच परसेंट हो जाए देखिए मिलाने की बात क्या कह रहा है पहले आप लोग देखेंगे हा पे देखिए मिलाने की क्या बात कर रहा है अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन जो कराए पिछला उसमें क्या मिलाने की बात करता चीनी लेकिन इसमें मिलाने की बात क्या कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए क्या मिलाने की बात कह रहा है पानी मिलाने की बात कह रहा है ध्यान दीजिए जो घोल है वो 25 लीटर है और उसमें नमक की मात्रा 6 परसेंट है।, है 6 तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 94 परसेंट ध्यान दीजिए कह रहा है कि नमक की मात्रा 5 परसेंट हो जाए लास्ट मिश्रण में जब नमक की मात्रा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट देखेंगे नमक की मात्रा पांच होगी तो वाटर की मात्रा क्या होगा नाइनटी यहां पे जो मिलाने की बात कर रहा है उसमें आप कन्वर्ट करेंगे टोटल जो मिश्रण है जो ध्यान दीजिएगा घोल है कितने का है बताइए आप सब स्टूडेंट 25 का है कितने का है 25 लीटर का है कितने का 25 लीटर का अब देखिए इसमें जो मिलाने की बात कह रहा है उसी को हम himself, रखेंगे पिछले वाले में चीनी मिलाने की बात कर रहा था तो चीनी रखे यहां पे देखिएगा यहां पे हम लोगों से मिलाने की बात कर रहे हैं पानी तो हम रखेंगे पानी ध्यान दीजिए वाटर वाटर कितना है ध्यान दीजिए नमक अगर 6 परसेंट है तो वाटर क्या होगा चौरानवे परसेंट कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दे कि पानी की मात्रा क्या हो जाए पंचानवे हो जाए यानी नमक की मात्रा तो पांच होगी तो चौरानवे से पंचानवे करना है अब आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं देखिए है, टोटल मिश्रण जो है पच्चीस लीटर का है हमें करना है चौरानवे से पंचानवे यानी एक की वृद्धि करना है बटा में हंड्रेड नई मात्रा हंड्रेड माइनस मिश्रण में पानी की नई मात्रा यानी पंचानवे परसेंट चीनी की मात्रा पांच परसेंट यही तो है तो हंड्रेड में से क्या करेंगे नाइनटी फाइव घटाएंगे तो ये आगे चल के क्या होगा दोस्तों पच्चीस से कम पच्चीस और बटा में सौ में से पंचानवे जा पांच तो मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी पांच लीटर और यही क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी सही अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह की बात करें तो ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन है बीस लीटर मिश्रण में बीस परसेंट अल्कोहल और शेष पानी है यदि उसमें चार लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा सिंपल है आंसर आप लोग दे सकते हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग देखिए बीस लीटर टोटल जो मिश्रण है ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट जो टोटल मिश्रण है जो टोटल मिश्रण है वो 20 लीटर का है 20 लीटर का है ठीक है 20 लीटर में क्या है 20 परसेंट एल्कोहल है 20 लीटर में 20 परसेंट एल्कोहल है कितना है 20 परसेंट एल्कोहल है और 80 परसेंट क्या है 80 परसेंट क्या है वाटर है आप एल्कोहल और वाटर की मात्रा निकाल सकते बीस का बीस क्या होगा बीस गुने बीस बीस गुने बीस बटा सौ बीस का बीस परसेंट दो जीरो से दो जीरो परसेंट दो, चार, चार लीटर. चार लीटर हाँ, तो दो अठे सोलह यानी सोलह लीटर क्या है वाटर है यही तो कह रहा है या बीस का आप अस्सी परसेंट निकाल सकते हैं बीस का अस्सी परसेंट बीस गुने अस्सी बटा सौ दो अठे सोलह समझ रहे हैं ना अब देखिए जब इतना आप कर लिए हैं जब आप इतना कर लिए तो कुछ करने की आगे जरूरत ही नहीं है कह रहा है आगे देखिएगा यदि उसमें चार लीटर और पानी मिला दिया जाए क्या मिलाने की बात करें पानी प्लस फोर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइएगा आप सभी स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा सोलह चार बीस लीटर बीस लीटर 20 लीटर क्या हो जाएगा पानी तो पूछ रहा है नए मिश्रण में जो नया मिश्रण होगा वो टोटल कितने का होगा अगर हम इसको प्लस करें तो चार और बीस मिलके क्या होगा चौबीस लीटर अब यहां पे जो टोटल मिश्रण हो गया वो चौबीस लीटर का हो गया अब इसमें बोल रहा है अल्कोहल का प्रतिशत कितना है टोटल जो अल्कोहल है वो चार लीटर ही है टोटल कितने में चौबीस में बीस में नहीं चौबीस में तो हमें बताना है एल्कोहल का प्रतिशत तो एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा एल्कोहल अपन टोटल मिश्रण टोटल क्या चार और बीस क्योंकि इसमें पानी मिल गया है चार लीटर बीस लीटर अब पानी हो गया है चार लीटर ही एल्कोहल है तो एल्कोहल का प्रतिशत होगा चार बटा का चौबीस और गुने होगा सौ तो चार छ के चौबीस अब इसे कटाएंगे दो से पचास और दो तिहाई छ ये होगा पचास बटा का तीन प्रतिशत यानी कि सोलह सही दो बटा तीन परसेंट पचास बटा का तीन का मतलब क्या होता है सोलह सही दो बटा तीन परसेंट ये आप सबको पता होगा क्योंकि ये हम आप लोगों को परसेंटेज में बताए हैं ठीक है कैसे होता है कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं देखिएगा पचास बटा का तीन का मतलब पचास को तीन से भाग करना तो कम तीन एक जाएगा यहां पे पांच में से तीन जा दो और ये जीरो बीस तीन छह क्या होगा अठारह और बीस में से अठारह जा दो ये सोलह को सही में लिखते हैं इसको अंश के रूप में लिखते हैं और इसको हर के रूप में तो सोलह से ही दो बटा तीन ऐसे होता है ठीक है समझ गए ध्यान दीजिएगा एक बार समझिए तो आप लोग प्रतिशत पूछ रहा है हाँ अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है अल्कोहल का प्रतिशत दो सेकेंड कहीं गलती हो रहा है तो बताएं आप लोग देखिए पूछ रहा है नए मिश्रण में यह तो पुराना मिश्रण है बीस लीटर का जो नया मिश्रण होगा नया मिश्रण जो नया मिश्रण होगा वो कितने लीटर का होगा नया मिश्रण नया मिश्रण जो नया मिश्रण होगा उसमें देखिए अल्कोहल चार लीटर वाटर बीस लीटर चार प्लस बीस बराबर चौबीस हम लोगों को बताना है एल्कोहल का प्रश्न चार बटा चौबीस गुण सौ अब आया समझ में सिंपल है कुछ करना ही नहीं है इतना लिखने की जरूरत नहीं है बस हम समझाने के लिए आप लोगों को लिखे हैं ठीक है समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग समझ सके इतना लिखने की जरूरत नहीं है देखिए बीस लीटर मिश्रण है बीस लीटर मिश्रण है बीस परसेंट एल्कोहल है मतलब चार लीटर एल्कोहल है सोलह लीटर पानी है ठीक है अब कह क्या रहा है कि यदि उसमें चार लीटर पानी और मिला दिया जाए तो सोलह में चार मिला देंगे बीस लीटर हो जाएगा ये चार ही लीटर रहेगा टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा चौबीस का हो जाएगा अल्कोहल का प्रतिशत पूर्व रहे तो चार लीटर अल्कोहल है कितने में चौबीस में तो चार बटा का चौबीस गुने सौ प्रतिशत में बताना है तो गुने सौ ठीक है तो आंसर आएगा सोलह से ही दो बटा तीन परसेंट एक बार और समझा दिए अब तो समझ गए होंगे फिर से समझाए बताएं चलिए ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सोलह देखिएगा आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह की बात करें तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात टू इंस टू थ्री तथा सेवन इंस टू थ्री है यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट दो टाइप के बर्तन है हाँ ध्यान दीजिए समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे दो टाइप के बर्तन है जिसमें क्या है दूध और पानी है यानी कि मिल्क इज टू वाटर है हाँ दूध और पानी है मिल्क और वाटर इनका अनुपात क्या है टू इज थ्री है और दूसरे में क्या है सेवन इस टू थ्री है कह रहा है ये कह रहा है यहां पे समझिएगा इन दोनों बर्तनों को किसी ध्यान दीजिएगा दोनों बर्तनों को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त दूध और पानी ध्यान दीजिए जो नया जो तीसरा बर्तन होगा समझेंगे आप आप सभी स्टूडेंट पे देखेंगे आप सब जो नया बर्तन तीसरा होगा उसमें दूध और पानी क्या होगा अगर इन दोनों को हम क्या करें इन दोनों को एक किसी बर्तन में पलट दे दोनों को क्या कर दे एक किसी बर्तन में पलट दे तो इसमें दोस्तों मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है ठीक है तो देखिए मिलाना कैसे है आप सब स्टूडेंट देखे, देखेंगे मिलाना कैसे देखिए दूध को एक साइड रखेंगे पानी को एक साइड रखेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा इसमें मिल्क कितना है टोटल देखिए दो तीन पांच के रेशियो में है मिल्क कितना है दो तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लिख रहे हैं मिल्क ठीक है मिल्क इज टू वाटर अभी आप लोगों को समझेंगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से देखिएगा मिल्क कितना है दो है दो बटा का कितना पांच टोटल पांच में ध्यान दीजिए टोटल कितना है पांच रेशियो में है मिल्क दो है मिल्क तो दो बटा का पांच प्लस मिल्क को मिल्क में मिलाइए वाटर को वाटर में देखिएगा ये सात तीन है ना तो इसमें मिल्क है? कितना है सात और टोटल कितना है सात तीन दस तो यानी कि सात का दस मिल्क एक तरफ आ गया है इसमें से दूध निकल के यहां पे रखें समझिएगा आप सब स्टूडेंट इसमें से दूध निकाल के यहां पे रखें सात दूध है तीन पानी है टोटल मिश्रण सात बटा के दस दस में सात लीटर है ठीक है यहां पे तो हो गया अब देखिए आप सब स्टूडेंट वाटर इसमें कितना है तीन है टोटल कितना है दो प्लस तीन पांच पांच में तीन क्या है देखिए अगर इसमें दो पांच में दो लीटर अगर पांच लीटर में माने पांच लीटर में दो लीटर क्या है मिल्क है तो क्या होगा तीन लीटर पानी तो वही की है। लीटर में क्या है तीन लीटर पानी है, प्लस। अब इसमें पानी कितना है? तीन है और टोटल सात तीन दस तीन बटा का दस इसी को सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखेंगे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे पांच दस का तो दस हो जाएगा पांच दुना के दस दो दुना के चार प्लस दस से दस कटेगा एक बार में सात एकम एक सात फिर देखिएगा आप सभी स्टूडेंट और दस का एलसीएम लेंगे तो तीन होगा ठीक है अब देखिए ये हो क्या रहा है ये चार और सात जोड़ेंगे देखिए नीचे दस दस है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में दस से होगा दस से भाग देने पे क्या होता है दस से भाग दे या किसी भी संख्या में हाँ, किसी भी संख्या में भाग दे सेम संख्या से रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है सेम संख्या से गुना करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप सबको पता है तो आप दस से दस क्या करेंगे कटा लेंगे तो ये जो रेशियो होगा चार प्लस सात इलेवन तीन नौ और यही क्या होगा आंसर होगा यानी जो नया वाला ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट जो जो नया वाला कंटेनर होगा जिसमें ध्यान दीजिएगा ये पहला कंटेनर है ये सेकेंड है और ये थर्ड है जिसमें इन दोनों को मिलाया गया है तो इसमें जो मिल्क वाटर होगा वो होगा 11 9. 11 9. और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे एक्स वाई जेड तीन समान धारिता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः टू इंस टू थ्री वन इंस टू फोर फाइव है तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा सेम क्वेश्चन है अभी पीछे जो क्वेश्चन किए उसमें दो बर्तन थे इसमें क्या है तीन बोतल है यानी तीन बर्तन है तीनों को एक में मिला दे तो क्या होगा ठीक है ये चीज पूछ रहा है ध्यान दीजिए तीन प्रकार की इसमें क्या है समान धारिता वाले बोतल है हाँ एक है एक्स दूसरा है वाई और तीसरा है जेड हाँ, तीसरा है जेड इसमें क्या है दूध और पानी यानी कि मिल्क इज टू वाटर रेशियो क्या है टू इज टू थ्री इसमें भी मिल्क इज टू वाटर ठीक है रेशियो क्या है वन इज टू फोर तीसरे में क्या है इसमें भी मिल्क और वाटर है रेशियो क्या है फाइव इज टू फाइव इज टू फाइव इज टू क्या है फाइव इज टू सिक्स हाँ फाइव इज टू सिक्स ठीक है कह रहा है इन तीनों को एक अन्य बर्तन में उजेल दे ठीक है मिला दे तो इसमें मिल्क इज टू वाटर ध्यान दीजिएगा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन एक बार कोशिश करिए आप लोग अपने आप से भी सॉल्व करने का देखिए मिल्क को मिल्क में रखेंगे वाटर को वाटर में रखेंगे अभी हम आप लोगों को बताएं देखिएगा यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे एक तरफ मिल्क रखिए एक तरफ वाटर रखिए क्या एक तरफ मिल्क और एक तरफ वाटर देखिए पहले बर्तन में मिल्क कितना है दो टोटल कितना है पांच यानी कि दो बटा का पांच फिर प्लस दूसरे में मिल्क है? एक, कितना है एक टोटल कितना है चार एक पांच फिर प्लस तीसरे में क्या है पांच टोटल मिश्रण पांच बटा पांच बटा क्या होगा पांच छे ग्यारह ये हो गया ध्यान दीजिएगा ये मिल्क इस टू वाटर निकाल रहे हैं सबको जोड़ के ठीक है अब देखिए इसमें वाटर वाटर में वाटर देखना है वाटर कितना है तीन टोटल मिश्रण पांच तीन बटा का पांच प्लस दूसरे वाले में चार चार बटा का पांच समझ में आ रहा है ना कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा तीसरे में छह के रेशियो में है वाटर टोटल रेशियो छ प्लस पांच ग्यारह छह बटा का ग्यारह इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अब देखिए रेशियो रेशियो आप तो निकाल लेंगे ना अब इनको क्या करना एल्सियम निकालना पांच पांच ग्यारह का तो ग्यारह पच्चे पचपन ग्यारह पच्चे पचपन ठीक है पांच से कटाएंगे तो पांच से ग्यारह ग्यारह दुना के बाईस बाईस प्लस पांच से ग्यारह बार में ग्यारह एकम ग्यारह प्लस ग्यारह पच्चे पचपन पांच पच्चे पच्चीस ठीक है आगे देखिए पांच पांच ग्यारह का एल्सियम क्या होगा पचपन होगा पांच से ग्यारह ग्यारह तिया प्लस ग्यारह बार में जाएगा ग्यारह चौक चौवालीस ये बेसिक चीजें हैं ये आप सबको पता बताओ ग्यारह पच्चे पचपन ध्यान दीजिएगा ग्यारह कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए बहुत अच्छे वेरी गुड आंसर आप लोगों का आ रहा है तो दोनों तरफ पचपन है पचपन से पचपन क्या होगा कट जाएगा अब आप इनको जोड़ेंगे इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहां पे देखेंगे ग्यारह और बाईस मिलके बाईस प्लस ग्यारह तैतीस हो जाएगा और तैंतीस और पच्चीस तैतीस पच्चीस ध्यान दीजिएगा तैतीस और पच्चीस अंठावन होगा फिफ्टी एट इज टू ये क्या होगा ध्यान दीजिएगा हां ध्यान दीजिए ग्यारह तीस ये चौवालीस ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट ग्यारह से सतहत्तर यहां पे आप ऐसे देख सकिएगा दो सेकेंड चार तीन सात और चार तीन सात सतहत्तर और तीस जुड़ के क्या होगा एक सौ सात अंठावन इज टू एक सौ सात कटेगा किसी संख्या से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे किसी संख्या से कट रहा है ध्यान दीजिएगा नहीं किसी भी संख्या से ये कटेगा नहीं यानी कि अंठावन और एक सात का रेशियो होगा हा फिफ्टी एट इज वन जीरो सेवन और यही क्या होगा आंसर होगा चलिए वेरी गुड देखिए नीचे वाली लाइन कुछ करने की जरूरत नहीं है नीचे वाली लाइन में हम लिए हैं पांच पांच ग्यारह का तो ग्यारह पचे पचपन एलसीएम आया है तो पांच से पहले भाग किए तो ग्यारह गया ग्यारह दुना के बाईस फिर पांच से भाग दिए तो पांच से जब भाग दिए तो ग्यारह ग्यारह एकम ग्यारह फिर ग्यारह फिर से भाग करेंगे इसको इससे पहले भाग करते ग्यारह पचे पचपन पांच पचे पच्चीस तो ये बटा पचपन ठीक है फिर उसके बाद से पचपन एलसीएम होगा तो पांच से करेंगे तो ग्यारह ग्यारह तीन तैतीस फिर पांच से करेंगे तो ग्यारह ग्यारह चौक चौवालीस फिर ग्यारह पच्चीस पचपन पांच छह के तीस ठीक है

तो यही हुआ पचपन पचपन नीचे है दोनों रेशियो में तो आप सबको तो पता है किसी भी रेशियो को किसी संख्या से समान संख्या से भाग दे गुना दे तो कोई अंतर रेशियो पे नहीं पड़ता है ठीक है तो इसमें भाग करने की जरूरत ही नहीं अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये पचपन पर्च्छमन, पचपन कट जाएगा ठीक है नीचे नीचे ऐसे ही कट जाता है आपको पता है ठीक है उसके बाद से हम इसको जोड़े तो ये फिफ्टी हुआ इसको जोड़े तो वन हुआ तो जो आंसर होगा मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो होगा जो तीसरे कंटेनर में वो फिफ्टी होगा समझ में आ गया है सभी को बहुत अच्छे वेरी गुड देखिए सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें हंड्रेड परसेंट सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करे एस एस सी मेकर ऐप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी में करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सब स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताए तो वॉइस क्लियर है आवाज स्पष्ट है कि नहीं चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे चलिए चलिए हम बातें करेंगे अभी पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट फटाफट -फड़ क्वेश्चन देखेंगे चलिए कल जो क्लास आप लोगों की चली थी जो पिछले दिन यानी कल के डेट में जो आप लोगों की क्लास चली थी उसमें क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ था एक से लेके सत्रह तक एक से लेके सत्रह तक क्लास वन से लेके क्लास टू में हो चुका है यानी कि पहली और दूसरी क्लास में एक से लेकर सत्रह तक क्वेश्चन हो चुका है आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर अठारह से ठीक है उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्लास का आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजन और प्रैक्टिस कर रहे होंगे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है क्वेश्चन है दो मिश्र धातु दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात फाइव टू टू है फाइव टू टू तथा थ्री टू फोर है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे कभी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेना है कुछ स्टूडेंट फोर है इन मिश्र धातुओं में से ए का सात किलोग्राम तथा बी का इक्कीस किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है तद अनुसार नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात कितना हो जाएगा

देखिए सिंपल तरीका बताएं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीका भी है और एक उससे भी आसान तरीका है देखिए सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा ये जो मिश्र धातु है ध्यान ध्यान दीजिएगा जस्ता 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 और का यहां दीजिए ये है को जैसे प्रदर्शित कर दे रहे हैं टीन को टी से ताकि समझने में आसान रहे ठीक है यहां पे भी ये है जस्ता और ये है टीन इनका ये रेशियो है और बोल रहा है एक का सात किलोग्राम क्या बोल रहा है एक का सात किलोग्राम पहले का सात किलोग्राम और बी का जो दूसरा है दोस्तों उसका 21 किलोग्राम मिलाकर एक, किलो मिला एक नई मिश्र धातु बनाते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है सिंपल तरीका आप लोगों को हम बता रहे हैं देखिए ये रेशियो में, किस में है जो ए है दोस्तों जो ए है वो टू टू के रेशियो में अगर हम पांच और दो जोड़े तो रेशियो क्या होगा सात और इसका कितना किलोग्राम बोल रहा है सात किलोग्राम अगर सात रेशियो बराबर सात किलोग्राम तो एक रेशियो बराबर क्या होगा एक किलोग्राम यानी इसका दोस्तों पांच के और इसका दोस्तों दो के ठीक है समझिएगा आप सभी स्टूडेंट आगे कह रहा है बी का 21 किलोग्राम जो बी दोस्तों है ध्यान दीजिएगा जो आपका बी है दोस्तों वो किस रेशियो में है थ्री इंस टू फोर के रेशियो में अगर तीन और चार जोड़े तो सात रेशियो होगा और इसका सात रेशियो बराबर कितना दोस्तों इक्कीस किलोग्राम ऐसे समझना आप लोगों को सात रेशियो बराबर अगर इक्कीस है तो एक रेशियो बराबर क्या होगा तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे तीन रेशियो बराबर नौ और चार रेशियो बराबर बारह समझ रहे हैं ये क्या आया है दोस्तों पहले वाले में ध्यान दीजिएगा जो ए है दोस्तों ध्यान दीजिएगा फाइव इंसू टू के रेशियो में है तो पांच और दो के जी समझ रहे ये बी वाला जो थ्री टू फोर है तो नाइन और ट्वेल्व के जी ऐसे आया है तो आप क्या करिए जस्ता को जस्ता में मिलाइए देखिएगा ओवर ओवरऑल क्या बनेगा आपका जस्ता और टीन का जो रेशियो होगा वो पांच देखिएगा पांच और नौ जोड़ेंगे आप सब स्टूडेंट पांच और नौ जस्ता को जस्ता में मिलाएंगे तो नौ पांच क्या होगा चौदह होगा तीन को तीन में मिलाएंगे ये दो है और बारह है दो प्लस बारह क्या होगा चौदह होगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा वन इजू वन रेशियो क्या होगा वन इजू वन बताए समझ में आया कि नहीं हाँ आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है देखिए, बताइए एक बार क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सिंपल तरीका है बस आपको यही देखना है जस्ता को जस्ता में कर लीजिए टीन को टीन में कर लीजिए क्योंकि ए का सात किलोग्राम और बी का इक्कीस तो पांच दो सात सात रेशियो बराबर अगर सात है हाँ, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है जस्ता और तीन का जो रेशियो फाइव टू है यानी क्या निकलेगा? जस्ता आएगा तो दो टीन आएगा यही तो आएगा तो यही यहाँ पे लिखे हुए बराबर तीन होगा यानी कि तीन नौ, तीन तीन चौको बारह ये नौ के जी आएगा तो ये क्या आएगा बारह के जी तभी ये मिल के क्या होगा बताए सभी स्टूडेंट इक्कीस के जी होगा तो ये अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ध्यान दीजिए जस्ता को जस्ता मिलाना है को तीन में मिलाना है तो जो नया जो नया होगा 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 ध्यान दीजिएगा नई बनेगी वो 14 और का यानी के यही आंसर बताइए समझ में आया कि नहीं बताए हाँ। एक और इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक और बेसिक तरीका है हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये तो आप, आप देखिए तो पहले में क्या है जस्ता, हाँ। जस्ता अनुपात बटा अनुपात क्यों होता है टोटल में पांच है और टोटल अनुपात क्या है सात पांच बटा का सात इसका क्या करना है इसका दोस्तों सात किलोग्राम यानी कि पांच बटा का सात सभी स्टूडेंट समझेंगे समझने का प्रयास करेंगे हम निकाल रहे हैं जस्ता टू नया अनुपात ठीक है हाँ, बटा का और गुने दोस्तों कितना है इसका टोटल सात के जी फिर प्लस करेंगे फिर इसमें दोस्तों देखिएगा जस्ता कितना है ये इक्कीस किलोग्राम के रेशियो में है दूसरा वाला तीन बटा का सात क्या होगा तीन बटा का सात समझिएगा आप सभी स्टूडेंट गुने क्या होगा इक्कीस होगा ये आया क्या ये आया ये आया आया। देखिए ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट देखेंगे। जस्ता अब हमें क्या करना है टीन का इसे हम मिटा दे बताए इसे मिटा देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं अब देखिए टीन का जो रेशियो है प, ए, इसमें क्या है दो बटा का टोटल में सात ध्यान दीजिएगा दो बटा का दो बटा का क्या है सात किसमें है दोस्तों ये सात में गुने सात टोटल में, म, जो टोटल जो मिश्रण है वो कितने के जी मिलाकर बनाया जा रहा है सात के जी का ठीक है फिर प्लस अब देखेंगे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे समझने का प्रयास करिएगा फिर इसमें टीन कितना है चार, और टोटल कितना है सात तो यार ये होगा चार बटा का सात ये किसमें है इक्कीस में है? तो गुने करेंगे इक्कीस ठीक है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो जो नई मिश्र धातु होगी जस्ता और टीन का वो आएगा यह भी आसान तरीका है हाँ बताए देखिए सिंपल है ये भी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं देखिए ये सात से सात कटेगा ये सात तरीके इक्कीस हो जाएगा ये सात से सात कटेगा ये सात तरीके इक्कीस हो जाएगा यहां देखिए पांच पांच प्लस तीन तरीके नौ हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये दो है और दो प्लस तिहाई बारह तो नौ पांच चौदह अनुपाते दो प्लस बारह चौदह समझ में आ रहा है कि नहीं तो चौदह इंसू चौदह मान चौदह एकम चौदह और चौदह एकम चौदह वन टू वन जो नया मिश्र धातु होगा अगर इसका सात किलोग्राम ए का और बी का इक्कीस किलोग्राम मिला रहे हैं तो जो नया मिश्र धातु होगा उसमें जस्ता और टिन का जो रेशियो होगा वन इस टू वन होगा और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम क्या किए थे जस्ता इस टू टिन किए थे तो पांच प्लस नौ ये आया था पांच प्लस नौ इस टू ये आया था दो प्लस बारा. क्या आया था दो प्लस बारह नौ पांच अनुपात दो प्लस बारह क्या होगा चौदह तो दो प्लस बारह क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट दो प्लस बारह यह भी चौदह होगा तो चौदह ये भी आपका आया था ये भी आंसर होगा और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ये भी आपका आंसर होगा ठीक है हाँ। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे वन इज टू वन आंसर होगा बताइए कौन सा तरीका सही है ये ले लीजिए आपका मेथड वन ये मेथड वन है हा और इसे आप मेथड टू ले लीजिए ठीक है ये आपका मेथड टू है ठीक है हाँ ये मेथड टू है हाँ, यहां से इसको हम कर दे रहे हैं चलिए बताए कौन सा कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताए देखिए दोनों तरीका है सॉल्व करने के लिए तो ये बेसिक तरीका है और ये क्या है ये ट्रिक है ये आसान है इससे भी आप कर सकते हैं ठीक है हाँ ये भी आसान है दोनों आसान है चलिए समझ में आ रहा है हाँ बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट वन इंस्टू वन कमेंट कर रहे हैं एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ चुके हैं हाँ, उम्मीद करते हैं समझ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बताए हाँ ये वाला भी आसान है ये वाला भी आसान है बस आपको यह देखना है कि इसका क्या है सात किलोग्राम ए का सात किलोग्राम और बी का क्या है इक्कीस है जब इसमें से लेंगे तो गुने सात करेंगे इसमें से जब लेंगे तो गुने इक्कीस करेंगे वही चीज की है ठीक है हाँ कहां पे बारह कैसे आया अच्छा देखिए ये देखिए सभी स्टूडेंट समझेंगे यहां पे क्या हुआ है कटा है सात इक्कीस और चार त्रिया बारह ये गुना में है और ये प्लस में तो इसलिए ये दो प्लस बारह हुआ है ठीक है हाँ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें बारह इसमें सॉरी इसमें ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट हाँ यहाँ पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे दो सेकेंड इसमें बारह हाँ ध्यान दीजिएगा दो प्लस बारह ये बारह है और ये पांच प्लस नौ अगर इसकी बात कर रहे तो बताए इसमें आप देखेंगे आप सभी स्टूडेंट तो ये 12 और 2 2 प्लस 12 ये भी रेशियो थ्री टू फोर में था तो 3 चार जोड़े तो सात रेशियो बराबर 21 तो एक रेशियो बराबर तीन तो तीन तरीके नौ और तीन चौको 12 इस प्रकार से आया ठीक है हाँ कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताएं समझ में आ गया है तो बोले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले

ध्यान दीजिए पहले मिश्रण में पानी स्क्वास का अनुपात फाइव टू वन है और दूसरे में थ्री टू वन है का अनुपात है इन्हें थ्री टू टू के अनुपात में मिश्रित किया जाता है अंतिम मिश्रण में पानी इस टू स्क्वास का अनुपात क्या होगा अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वास का मिश्रण क्या होगा यह पूछ रहा है हाँ जो अरेशियो होगा वो क्या होगा अंतिम मिश्रण में पानी इस टू स्क्वास का अनुपात क्या होगा यानी पानी इस टू स्क्वास आपको बताना है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को देखें समझे समझ सकते हैं आप सब जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा पिछला क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया तो उसमें क्या था उसमें इसमें जो मिश्रण था ए वाला सात के जी था बी वाला इक्कीस के जी था यही था ना लेकिन इसमें क्या है रेशियो में थ्री टू टू के दे दिया है तो आप इसको चाहे तो आसान करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप इसको चाहे तो तीस और बीस भी मान सकते हैं ठीक है हाँ देखिए कैसे मानेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं ये थ्री के रेशियो में है तो इसे आप तीस मान लीजिए और ये दो के रेशियो में है तो इसे बीस मान लीजिए ठीक है अब मानना भी है तो ये भी आपको देखना है पांच एक छे पच्चे तीस हो रहा है तीन एक चार चार पच्चे बीस हो रहा है समझ रहे कि नहीं इस प्रकार से मानना है ध्यान दीजिएगा मेथड वन हम आप लोगों को बता रहे जो बेसिक तरीका है ध्यान दीजिए पानी और स्क्वाश क्या है पहला जो मिश्रण है पहला जो है उसमें ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट है उसमें वाटर और क्या है स्क्वाश का मिश्रण है फाइव इंस टू वन है क्या है फाइव इंस टू वन है फाइव इंस टू वन है तो पांच और एक जोड़ेंगे तो क्या होगा छे अगर छे रेशियो बराबर दोस्तों जो पहला है

वाटर इज टू एस्क्वास एस्क्वास को ऐसे वाटर को हाँ पानी को

और ये हो जाएगा पांच एकम पांच देखिए वाटर को वाटर में मिलाएंगे पच्चीस प्लस पंद्रह और पांच प्लस पांच ये होगा तो जो ये आपका नया मिश्रण होगा वाटर और स्क्वाश का ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट तो ये होगा पच्चीस प्लस पंद्रह वाटर को वाटर लाइए स्क्वाश को स्क्वाश में यहाँ पे पांच प्लस पांच क्या होगा पांच प्लस पांच तो पच्चीस पंद्रह क्या सॉरी पच्चीस प्लस पंद्रह है है ये क्या पच्चीस प्लस पंद्रह है पच्चीस पंद्रह क्या होगा पच्चीस पंद्रह चालीस हो जाएगा पांच पांच हो क्या होगा दस होगा बताइए रेशियो क्या रहा है आप लोगों का यहाँ पे देखिए आप सब स्टूडेंट थ्री इंस टू 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 इंस टू थ्री ऐसे नहीं होगा ध्यान दीजिएगा दस से कम दस दस से चालीस जो रेशियो होगा होगा फोर इंस टू वन का फोर इंस टू वन बताए समझ में आया कि नहीं बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं इस पर हाँ एक बार देखिए समझने का प्रयास करिए ये थ्री टू है तो इसको तीस और बीस हम मान लिए ठीक है आसान करने के लिए तीस और बीस आप इसको तीन सौ दो सौ भी मान सकते हैं यानी थ्री टू टू के रेशियो में ही आप इसको मान सकते हैं देखिए है, बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट का आ रहे हैं फोर इंस टू वन फोर इंस टू वन इसका आंसर होगा आंसर क्या होगा फोर इंस टू वन हा यह आंसर हो जाएगा सिंपल है कुछ करने की जरूरत नहीं है देखिए पहला दूसरा यहां कह रहा है पानी और अश्कवास के दो मिश्रण है पहले मिश्रण में पानी और अश्क्वास फाइव टू वन है दूसरे मिश्रण में ध्यान दीजिएगा थ्री टू वन के अनुपात में है और यहां पे इन्हें थ्री इंस टू टू के अनुपात में मिलाया जाता है ये कह रहा है तो थ्री इंस टू टू को तीस बीस मान लिए ठीक है, है? ये तीस लीटर है या बीस लीटर है ऐसे मान लेंगे तो सिंपल हो जाएगा ठीक है ये तरीका आप लोगों को समझना है चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट समझ गए आप इसको वैसे भी जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे आप वैसे भी कर लेते अगर तीस बीस आप नहीं मानते तो क्या करते समझिएगा ये आपका फाइव इज टू वन तीन के रेशियो में और थ्री इज टू वन जो है ये क्या जाता है ये दो के रेशियो में जाता ठीक है किसके रेशियो में जाता है ये दो के रेशियो में थ्री इज टू वन किसके रेशियो में जाता दो के रेशियो में जाता गुना भी कर सकते हैं जो अभी हम आप लोगों को मैथड टू बताए मैथड टू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेथड हाँ, से भी आपका आंसर आएगा फोर ही ठीक है बताए समझ में आ गया है बहुत अच्छे वेरी गुड देखिए एक बार और समझा दे देखिए मेथड वन देखिए पानी और स्क्वास है पानी और स्क्वास फाइव इंस टू वन है तो फाइव इज टू वन लिखे ध्यान दीजिएगा पांच एक छ रेशियो जोड़ेंगे पांच एक छे छह रेशियो बराबर तीन को हम तीस माने रेशियो बराबर तीस तो एक रेशियो बराबर तो 5 25, एक रेशियो बराबर पांच होगा इतना समझ में आया दूसरा जो है वो थ्री वन के है जो दूसरा है उसमें वाटर और स्क्वाश का जो जो रेशियो है वो थ्री इंस टू वन तो तीन एक चार चार रेशियो बराबर ये दो के रेशियो में था तो इसको बीस माने दो चार रेशियो बराबर बीस तो एक रेशियो बराबर पांच तो पांच ये पंद्रह पांच एकम पांच अब ध्यान दीजिए पच्चीस प्लस पंद्रह पानी को पानी और पांच पांच दस। दस हो जाएगा। अब में आ गया है हाँ फिर से समझा दिए कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताएंगे फिर से समझाएंगे ये चीज आपको समझना है ये सिंपल तरीका है और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं जो अभी हम आप लोगों को एक और मेथड दूसरा जो बताए थे मेथड हम आप लोगों को एक दूसरा बताए थे क्या बताए थे ध्यान दीजिएगा पानी और स्क्वास ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट वाटर इज टू स्क्वास ये कर सकते हैं देखिए पहले में क्या है पांच बटा का छ और पहला किस रेशियो में है तीन के तो गुने करेंगे तीन ठीक है फिर आप सभी स्टूडेंट देखेंगे फिर आपका प्लस दूसरे में क्या है ध्यान दीजिए तीन बटा का चार तीन बटा का चार गुने क्या करेंगे दो फिर इस टू अब देखिएगा इसमें अब आप लोग देखेंगे स्क्वास पहले में स्क्वास क्या है एक बटा का छे गुने क्या करेंगे तीन समझिएगा आप सब स्टूडेंट फिर प्लस होगा। इसमें ध्यान दूसरे में क्या है? ध्यान आप, तो आप, आप लोग देखेंगे सीखेंगे तभी समझ में आएगा ठीक है अब आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते इसको सॉल्व करना आसान है ये देखिए तीन दुना के छे और ये दो चार तो ये होगा फाइव बाई टू प्लस थ्री बाई टू इस टू अब आप सभी स्टूडेंट देखेंगे ये चीज आपको समझना है ये जो फाइव के है ये थ्री के रेशियो में है ये थ्री इंस टू वन जो है ये

एट होगा और ये टू होगा तो दो एक कम दो और दो को आठ तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट जो वाटर और स्क्वाश का रेशियो होगा ध्यान दीजिएगा फोर इज वन क्या फोर इज टू वन फोर इज वन ये भी आप चाहें तो ये वाला भी मेथड लगा सकते इससे भी आंसर आएगा फोर इज वन समझ में आया ये वाला भी तरीका उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे हाँ, बस यही चीज आपको समझना है कि आप इसको तीस बीस मानिए या थ्री टू मान रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं तीस बीस मान के ऐसे भी कर सकते हैं बस ये ध्यान रखना है ये तीस जो है यहाँ पे आप लोगों को देखना है पांच एक छे छ से कट रहा है कि नहीं तो वो कटता है समझ रहे हैं ना ये बीस है तो तीन एक चार से कट रहा है कि नहीं समझ रहे हैं इस रेशियो में आपको मानना है ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ गए होंगे मेथड टू भी समझ गए होंगे मेथड टू भी इजी है उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे चलिए समझ में आ गया हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हम आप लोग को बता दे बीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से देखना है और समझने की आप लोगों को जरूरत है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिगेशन का क्वेश्चन है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है दो बर्तनों में दूध तथा पानी क्रमशः नाइन तथा थ्री के अनुपात में है दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए उसमें पचास पानी शेष दूध रहे पचास परसेंट, परसेंट पानी और पचास परसेंट दूध रहे पचास परसेंट पानी और पचास परसेंट दूध का अनुपात थ्री टू सेवन है कह रहा है हाँ देखिए एक बार पढ़िए पचास पानी और शेष दूध चलिए आंसर इसका थोड़ा सा बताइए इसका बताइए मतलब क्या हुआ हाँ इसका मतलब थोड़ा सा समझाएंगे आप लोग बताइए तो क्या होना चाहिए पचास परसेंट पानी शेष दूध इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा ये चीज आप लोग बताएं देखिए टोटल हंड्रेड परसेंट होगा अगर पचास परसेंट पानी है तो पचास परसेंट क्या होगा दूध होगा पचास परसेंट पचास परसेंट का मतलब फिफ्टी इज टू फिफ्टी फिफ्टी इज टू फिफ्टी का मतलब वन इज टू वन ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत अच्छे वेरी गुड वन इज टू वन थ्री टू टू नहीं वन इज टू वन ठीक है अब देखिए यहां पे कह क्या, क्या रहा है अब आप सभी स्टूडेंट एलिगेशन रूल लगाएंगे देखिए समझने का प्रयास करेंगे दो बर्तन है पहला है और दूसरा है ठीक है इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है सभी स्टूडेंट समझेंगे सीखेंगे यहां पे आप लोग देखेंगे समझना है दूध और पानी का अनुपात नाइन इंस टू वन है नाइन इंस टू वन यानी कि नौ बटा का ध्यान दीजिएगा नौ एक दस हा मिलके कितना है टोटल नौ कितने में दस में दूसरे में ध्यान दीजिएगा तीन बटा का तीन बटा का दस होगा तीन और सात जोड़ेंगे दूध टोटल मिश्रण कितने में दस में बटा का और ये जो बीच वाला एलिगेशन है जो इनका मिश्रण है कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि पचास परसेंट पानी और शेष दूध रहे मतलब वन टू वन के रेशियो में तो ध्यान दीजिएगा यानी आधा दूध आधा पानी मतलब एक बटा का एक एक दो दो भाग में एक भाग दूध ठीक है अब आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे ये वाला रूल आप लोगों को एलिगेशन वाला बताएं ध्यान दीजिए अब इसमें आपको पता करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है क्या करना है हाँ देखिएगा इन दोनों में आपको पता करना है कि बड़ा कौन है कैसे पता करेंगे अगर हम इसको नब्बे मान रहे हैं तो दस नौ नब्बे नौ अगर आप ऊपर दस से गुना कर रहे हैं सिंपल तरीका आप लोग सीखेंगे कि बड़ा कैसे पता करेंगे देखिएगा बहुत आसान तरीका है अगर हम इसको नब्बे तो गुना करेंगे तो ये 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 होगा तीन हो 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 रहा 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 है ये 3 हो रहा है है यानी वाला बड़ा है जब ये वाला बड़ा है तो बड़े वाले में से बीच घटाया जाता है यानी कि नौ बटा का ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट नौ बटा का दस माइनस वन बाई टू अब बीच वाले में से इसको घटाएंगे वन बाई टू माइनस थ्री बाई टेन ये होगा अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है एलसीएम होगा दस दो पच्चे दस पांच माइनस दस से दस कट जाएगा तीन और इधर एलसीएम होगा दस दस से दस जाएगा ये होगा नौ दो पच्चे दस और पांच कम पांच ठीक है तो ये आया क्या हम लोगों का जो पहला और दूसरा ध्यान दीजिएगा उसका रेशियो क्या आया है सभी स्टूडेंट देखेंगे यहां पे सीखेंगे ये पांच माइनस तीन क्या होगा दो का दस क्या होगा दो का दस ये नौ में से पांच जाएगा तो क्या होगा चार बटा का दस दस से दस चला जाएगा दो एकम दो 2 दुना के चार रेशियो आएगा वन टू टू का रेशियो आएगा वन इंस टू टू का आप लोगों का क्या आया बताए तो फटाफट बताइए तो आप लोगों का रेशियो क्या आया वन इंस टू टू आ रहा है फटाफट आंसर दीजिए बातें इधर उधर की कुछ भी नहीं करना है पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे पांच में से तीन घटाएंगे दो, दो बटा का दस दो बटा का दस फिर उसके बाद से यहाँ पे नौ में से पांच जा चार बटा का दस तो दस से दस गया दो एक दो, दो नक्षार वन इज टू, टू टू आ रहा है हाँ ये पूछने वाला क्वेश्चन है कि सर वन बाई टू कैसे आया देखिए ये कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे ध्यान दीजिएगा मिलाया जाए उससे 50 परसेंट पानी और शेष दूध रहे मतलब वन इज टू वन का मतलब एक दूध एक पानी मतलब टोटल क्या होगा अगर एक एक लीटर मान रहे हैं या आधा आधा लीटर मान रहे हैं हैं आप ऐसे मान रहे हैं, तो एक हिस्सा दूध है किसमें टोटल हिस्सा क्या है दो में जैसे इसको कर रहे थे नौ दूध है टोटल किसमें दस में नौ एक दस ऐसे जोड़ते अनुपात बटा का अनुपातिक योग कर रहे थे क्या कर रहे थे अनुपात बटा का अनुपातिक योग कर रहे थे वही तो कर रहे थे यहां पर अनुपात बटा अनुपातिक योग आया है ठीक है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे वेरी गुड अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे इसको आप बोलिए तो एक बार और स्पष्ट रूप से लिख दे ताकि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत ना हो यह चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि ये हम कैसे किए हैं ठीक है यह चीज एलसीएम लेके ठीक है इसको हम एक बार और कर देते हैं ठीक है हाँ पहला और दूसरा का जो रेशियो है पहला और दूसरा का जो रेशियो है ध्यान दीजिएगा ये पांच में से तीन जा दो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट दो का दस इजू यह क्या हुआ नौ में से जा चार का दस तो यह दस से दस चला गया तो हुआ टू इजू फोर टू इजू फोर का मतलब दो एक दो, दो दूना के चार वन इज टू टू अब स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यही क्या होगा आंसर होगा हाँ उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे चलिए हाँ बहुत अच्छे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिएगा ट्वेंटी वन हम आप लोगों को बता दे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखना है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन है दो कंटेनरों में ध्यान दीजिए दो कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः थ्री टू वन तथा फाइव टू थ्री के अनुपात में मिश्रित है एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात टू इज टू वन हो दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में मिला कितना आना चाहिए दोनों ध्यान दीजिएगा मिश्रण को किस अनुपात में कितना आना चाहिए यानी कितने किस रेशियो में होना चाहिए यह पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिश्रण हो वो क्या हो ध्यान दीजिएगा टू इज वन हो यहां देखिए दो कंटेनर में क्या है अम्ल और पानी क्रमशः थ्री इज टू थ्री इज टू वन और फाइव इज टू थ्री के रेशियो में है यानी कि अनुपात में मिश्रित है एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात टू इज टू वन हो ध्यान दीजिएगा टू इज टू वन हो दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं सेम क्वेश्चन है फटाफट आप लोग आंसर दीजिए तो चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है आप लोगों को बस देखना है अम्ल और पानी है यानी कि एसिड इज टू वाटर का रेशियो है ये भी क्या कह रहा है एसिड और वाटर का है कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाए कि जो मिश्रण हो ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट जो एसिड इज टू वाटर और टू इज टू वन हो यही तो कह रहे है नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात टू इज टू वन हो दोनों प्रकार के मिश्रणों का किस अनुपात में कितना आना चाहिए रेशियो क्या होगा कोई समझ में नहीं आ रहा है अच्छा ये क्या बात है देखिए आप सब स्टूडेंट समझेंगे समझ में आप लोगों को आएगा देखिए दो प्रकार के क्या है दो कंटेनर है पहला और सेकंड यही तो है ध्यान ध्यान दीजिएगा इसमें दीजिए अम्ल और ए, क्या है वाटर है अम्ल और पानी है ना तो तीन बटा का सभी स्टूडेंट देखेंगे अम्ल कितना है बटा का टोटल मिश्रण क्या है चार तीन बटा का चार इसमें अम्ल कितना है पांच है टोटल कितना है पांच तीन आठ में तो पांच बटा का आठ ये देखिएगा ये टूटन हो तो ये दो अम्ल हो ध्यान दीजिएगा टोटल कितने में दो एक तीन में यही तो करना है यही तो करना है बस यही करना है और आंसर दे देना है देखिए देखिए अब इसमें देखिए बीस वाला फिर से समझाए पिछला क्वेश्चन इसको समझ लीजिए सेम वही क्वेश्चन है ठीक है ये कैसे हो रहा है उसमें पचास परसेंट का मतलब पचास परसेंट पानी पचास परसेंट दूध ठीक है फिफ्टी हाँ, फिफ्टी का मतलब one is to one का रेशियो होता है अगर ये टू इंस टू वन है तो दो और अनुपात बटा अनुपाती क्यों होता है तो दो बटा का दो एक तीन यानी कि दो बटा का तीन कैसे लिखे ये चीज़? अब इसमें आपको पता करना है दोनों में ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा में बड़ा कौन है पता करेंगे देखिएगा अगर ये पचास हो दस से गुना कर दे तो आठ छ के अड़तालीस सिक्स पॉइंट समथिंग आएगा ये अगर तीस हो तो चार छ के चौबीस चार सत्ते अट्ठाइस ध्यान दीजिएगा

फाइव बाई एट टू बाई थ्री माइनस फाइव बाई एट इज टू थ्री बाई फोर माइनस टू बाई थ्री थ्री बाई फोर माइनस टू बाई थ्री यही है अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं हाँ. चलिए देखिए समझ लेंगे क्या करेंगे तीन और आठ का तीन चौबीस एल्सियम होगा चौबीस आठ दुना के सोलह माइनस आठ के चौबीस तीन पचे पंद्रह यह हुआ फिर इस टू देखिए चार और तीन का एल्सियम होगा बारह चार ती बारह एक बार भाग करते हैं जो आता है फिर गुना चार ती बारह तीन तिरी के नौ माइनस तीन चौक बारह चार दुना के आठ यह हुआ अब आप लोग समझ रहे होंगे सोलह में से पंद्रह घटाएंगे तो क्या होगा एक बटाका चौबीस और ये होगा इस टू नौ में से आठ घटाएंगे एक बटाका बारह ये हुआ अब देखिए आप सब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है ये देखिए बारह से कटेगा बारह एकम बारह और बारह दुना के चौबीस क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये एक, एक नम एक दो एकम दो यानी ये रेशियो जो हो जाएगा वो हो ये होगा वन इज टू टू का और यही क्या होगा आंसर होगा यही क्या होगा आंसर होगा टू इस टू वन नहीं वन इंस टू टू हा बताइए एक बार बताइए क्या आ रहा है यहां पे देखना है, ये वन बाई टू है और ये वन है ध्यान दीजिएगा वन बाई टू है ये वन है मतलब आधा और एक का जो रेशियो होगा वो वन इंस टू टू का होगा समझ रहे हैं कि नहीं हाँ इस प्रकार से देख सकते हैं आप चाहे तो इनमें दोनों में अगर दो से गुना कर ले तो दो से दो कटेगा एक और ये दो एकम दो हो जाएगा ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि ये आधा है वन बाई टू और वन का जो रेशियो हो होगा वो क्या होगा हाँ पचास पैसे और एक रुपए का रेशियो एक और दो का रेशियो हो होगा ना वन इंस टू टू या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एकम दो इस तरह से आप लोग सीखिए समझिए यही नहीं समझ में आ रहे वन बाई टू को टू बोल दे रहे हैं ऐसे नहीं होगा सोलह कहाँ से आया कहा पे सोलह कहाँ से आया देखे तीन और आठ का एलसीएम लिए थे तो चौबीस आया था तो ध्यान दीजिएगा तीन अठे चौबीस भाग करते हैं पहले तो आठ बार में भाग गया और अब फिर ऊपर वाले से गुना करते हैं तो आठ गुना के सोलह ऐसे है। फिर आठ तिर के चौबीस तीन बार में गया फिर तीन पचे पंद्रह समझ में आया ऐसे करते हैं ठीक है हाँ सोलह पंद्रह कैसे आया वही चीज समझा रहे यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भिन्न का जोड़ और घटाना नहीं आता है मुझे पता है देखिए अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना या कहे जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम निकालना करना करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोगों के लिए एक आसान तरीका बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट यूट्यूब पे सर्च करेंगे एग्जाम फिनिशर क्या एग्जाम फिनिशर एफ आई एन आई एस एच ई आर ठीक है एग्जाम फिनिशर यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा ठीक है आप सभी स्टूडेंट उस चैनल पे हम आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा बेसिक मैथ बेशिक मैथ ध्यान दीजिएगा बेसिक बेसिक मैथ पढ़ाए हैं ठीक है बेसिक मैथ क्लास वन से लेके पार्ट वन से लेके पार्ट फाइव तक जिसमें हम भिन्न के जोड़ घटाना गुड़ा भाग एलसी निकालना तीरिय गुणनखंड करना पश्चांतर करना ठीक है ये सारी चीजें हम सिखाए हैं ठीक है ये सारी चीजें चैनल का नाम क्या है यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम फिनिशर। या आप चाहे तो एसएससी मेकर चैनल पे हाँ जो चैनल वाला है उस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं वहां पे भी है ठीक है तो एग्जाम फिनिशर सर्च करके उस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा तो वहां पे मैथ हम एकदम बेसिक से कराए हैं ठीक है हाँ, तो वहां पे फ्री में क्लासेस मिली है तो आप क्या करेंगे बेसिक मैथ तो वहां से कंप्लीट करेंगे पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक और वहां पे हम आप लोगों को बता दें परसेंटेज की भी पूरी क्लास चलिए तो परसेंटेज भी पढ़ लीजिएगा परसेंटेज तो वैसे आप यहां पे पढ़े ही है ठीक है ये चीज आपको करना है अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो ठीक है आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे ठीक है एग्जाम फिनिशर यूट्यूब चैनल का नाम है चले आगे चले हा

उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है फिर उसमें चार लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है ठीक है हाँ एक छोटा सा क्या है एक छोटा सा फॉर्मूला है उसे हम बताएंगे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ठीक है थोड़ा सा क्या करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और ये कहना क्या चाह रहा है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा हाँ यहां पर देखिए एक बर्तन में बीस लीटर क्या है एसिड है मतलब पूरा एसिड से बीस लीटर एक बर्तन है भरा हुआ है मान लीजिए एसिड है ठीक है बीस लीटर उसमें क्या कर रहा है चार लीटर एसिड निकाल दिया गया और उसके स्थान पर चार लीटर पानी डाल दिया गया ठीक है समझिएगा आप सब स्टूडेंट उसके बाद से क्या होता है ध्यान दीजिएगा फिर उसमें चार लीटर मिश्रण निकाला गया अब एसिड नहीं निकला है क्योंकि पानी भी मिल गया है और पानी के साथ एसिड भी निकल रहा है ठीक है यानी कि मिश्रण चार लीटर निकाला गया और बर्तन में फिर चार लीटर यानी कि उतना ही पानी डाल दिया गया कह रहा है बर्तन में बचे एसिड की मात्रा ध्यान दीजिएगा बहुत में बचे एसिड की जो मात्रा है वो पुराने जो प्रारंभ में एसिड की मात्रा है उसका रेशियो पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं बर्तन में बचे एसिड की मात्रा क्या होगी ठीक है पहले तो आप निकालेंगे बर्तन में बचे हुए एसिड की मात्रा क्योंकि प्रारंभिक जो मात्रा है वो 20 लीटर है ये आप सबको पता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखिए कभी भी आप लोगों से पूछे कि बचे एसिड की मात्रा ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे या शेष एसिड की मात्रा या से लास्ट में जो शेष मात्रा है इसका वो चीज पूछे ठीक है ऐसे दूध के साथ भी किया जाता है एसिड की जगह दूध लिख सकता है ठीक है क्वेश्चन में ठीक है कुछ भी लिख सकता है ठीक है अल्कोहल लिख सकता है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन समझ गए हैं तो अब आपके लिए बहुत आसान है अब देखिए कभी भी ऐसे पूछे बर्तन में बचे एसिड की मात्रा या शेष मात्रा ध्यान दीजिएगा शेष मात्रा शेष मात्रा निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है शेष मात्रा कभी भी निकालना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा प्रारंभिक मात्रा क्या प्रारंभिक ये प्रारंभिक है प्रा करके जीरो कर दे रहे इसका मतलब प्रारंभिक समझिएगा ठीक है प्रारंभिक मात्रा यानी कि बीस लीटर प्रारंभिक मात्रा इनटू वन माइनस ध्यान दीजिएगा माइनस निकाली गई मात्रा वन माइनस निकाली हा निकाली गई निकाली गई मात्रा निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा बटे क्या प्रारंभिक मात्रा का पावर एन अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे इस फॉर्मूले को समझना है काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट ऐसे ही याद हो जाएगा ठीक है हां चलिए कोई नहीं हम आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं पहले समझ लीजिए यहां पहले देखिए शेष मात्रा प्रारंभिक मात्रा क्या है बीस लीटर है वन माइनस निकाली गई मात्रा चार लीटर निकाला गया है ध्यान दीजिएगा चार लीटर निकाला गया है कितनी बार एक प्रक्रिया दोहराई गई है, है कितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है, है दो बार एक बार एक लीटर एसिड निकाला गया फिर उसके बाद लीटर मिश्रण निकाला गया कितनी बार निकला ये? दो बार उसमें से निकाला गया तो एन की जगह क्या करेंगे टू लिखेंगे क्योंकि एक बार चार लीटर एसिड निकाला गया है दूसरी बार चार लीटर मिश्रण निकाला गया है अगर फिर एक बार और मिश्रण चार लीटर निकाल दिया जाए तो प्रक्रिया हो जाएगी तीन बार यह जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी वो यन की जगह पे आएगा तो ये दो बार निकाला गया है तो ये दो एन की जगह पे दो हो जाएगा बस निकाली गई मात्रा चार है तो ये चार रखना है कुछ करने की जरूरत नहीं है एकदम सिंपल है प्रारंभिक मात्रा कितना है बीस है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट प्रारंभिक मात्रा कितना है बीस लीटर है वन माइनस निकाली गई मात्रा कितना है चार ही लीटर तो निकाला जा रहे हैं बट अब प्रारंभिक मात्रा कितना है बीस है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट पावर क्या होगा एन की जगह ये चार लीटर एक बार ये चार लीटर एक बार ये कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है दो बार इसलिए इसका पावर क्या होगा दो समझ में आया जब इतना समझ में आ गया तो प्रश्न हो गया सिंपल अब देखिए बराबर क्या होगा बीस ध्यान दीजिएगा बीस से कम बीस और बीस में से चार सोलह सोलह बटा का बीस का स्क्वायर है तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सोलह बटा का बीस और गुने 16 सोलह बटा का बीस क्योंकि यह स्क्वायर है पावर दो है तो सोलह बटा का बीस इसका मतलब क्या होगा सोलह बटा बीस बीस से कम बीस बीस में से चार सोलह सोलह बटा का बीस तो बटा तो बीस बटा बीस ठीक है स्क्वायर नहीं करना है यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है देखिए बीस से ये बीस कटेगा कटेगा ये देखिए चार से चार चौक सोलह चार पच्चे बीस ये सोलह चौक चौसठ बटा पांच क्या आया चौसठ बटा का पांच आया चौसठ बटा का पांच ठीक है चौसठ बटा का पांच आया आप इसको क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा समझने का प्रयास करेंगे ये चौसठ बटा का पांच है आप इसको दसमलव में भी कर सकते हैं तो इसको दसमलव में अगर करना है सभी स्टूडेंट देखेंगे समझेंगे तो ये क्या होगा बारह 25 साठ होता है सभी स्टूडेंट देखेंगे हाँ ध्यान दीजिए चौसठ को हाँ ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव आप कर सकते हैं ध्यान दीजिए आपको नहीं ऐसे करना है तो आप क्या कर सकते हैं चौसठ को ध्यान दीजिएगा होगा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट से भाग करेंगे तो पांच से भाग करेंगे तो पांच से कम क्या होगा पांच और ये होगा एक चौदह पांच दुना के क्या होगा दस और उसके यहाँ पे बचेगा चार दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो पांच वे क्या होगा चालीस यानी ट्वेल्व आएगा क्या आएगा बारह क्या आया बारह बारह दशमलव आठ आया थोड़ा सा आप लोग समझेंगे लेकिन हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या यह तो बचे हुए बर्तन में एसिड की मात्रा आ गया बारह दशमलव आठ लीटर यह क्या आ गया बचे हुए लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात यह पूछ रहा है तो यह जो रेशियो होगा वो होगा ट्वेल्व पॉइंट एट इस प्रारंभिक मात्रा क्या है बीस प्रारंभिक मात्रा क्या है बीस ठीक है अब आप इसको देखिए कुछ नहीं करना है आप ये है दोनों में दस दस से गुना करेंगे तो रेशियो पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं तो ये हो यह एक सौ अट्ठाइस दो सौ कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप इसको छोटा कर सकते हैं देखिए चार से चार तीन बारह चार गुना के आठ ये होगा चार पच्चे बीस पचास हो जाएगा फिर आप इसको करेंगे ये सोलह हो जाएगा दो से कटाएंगे तो ये पच्चीस हो जाएगा यानी सोलह और पच्चीस का रेशियो आया क्या आया सोलह और पच्चीस का रेशियो ये क्या होगा आपका आंसर होगा आंसर क्या होगा सोलह और पच्चीस का होगा आंसर बताए हाँ ये चीज देखना है आपको बताना क्या है बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा 12.8 पॉइंट एट टू ट्वेंटी तो ये 16-25 का रेशियो हुआ बताए कितने लोगों का 16-25 का रेशियो आ रहा है एक बार बताए फटाफट आंसर दे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से समझना है हाँ समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा पच्चीस सोलह का नहीं सोलह पच्चीस का रेशियो होगा ठीक है हाँ पच्चीस और ध्यान दीजिएगा सोलह और पच्चीस का रेशियो होगा सोलह अच्छे वेरी गुड हाँ आ रहा है सबका एकदम सही एकदम सही है आप सब स्टूडेंट हाँ देखिए आप चाहते तो वहां पे चौसठ बटा पांच आया था ध्यान दीजिएगा ये चौसठ बटा पांच था और ये क्या था आपका बीस था तो ये चौसठ हो जाता और बीस पच्चीस ये सौ हो जाता चार से कटाते सोलह और चार से कटाते पच्चीस ऐसे भी आपका हो जाता दस मल्लो में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन इसलिए कर दिए ताकि आपको एक संख्या दिखे ठीक है आप ऐसे भी करते तो सोलह पच्चीस का ही रेशियो आता ठीक है हाँ ऐसे भी करते तो सोलह पच्चीस का ही रेशियो आता

20 लीटर निकालकर निकाल, निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है अब इस ड्रम में कितना पानी लीटर में मौजूद है ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है यहां पे अब इस ड्रम में कितना पानी और यहां पे है क्या एथेनॉल तो अब लास्ट में क्या निकालेंगे एथेनॉल की मात्रा कितना एथेनॉल है तो इसके लिए क्या करेंगे आप सब स्टूडेंट अंत में एथेनॉल की मात्रा यानी शेष ध्यान दीजिएगा पहले आप निकालेंगे शेष क्या इथेनॉल की मात्रा हाँ इथेनॉल शेष इथेनॉल क्या होगा शेष इथेनॉल क्या होगा हाँ प्रारंभिक मात्रा ठीक है हाँ प्रारंभिक मात्रा इनटू वन माइनस निकाली गई मात्रा ठीक है हाँ वन माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए हैं याद कर लीजिएगा जरूर ठीक है हाँ जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा पावर एन ठीक है प्रारंभ में कितना है अस्सी लीटर है ठीक है वन माइनस निकाली गई मात्रा कितना है बीस बटा का प्रारंभिक मात्रा 80 का पावर एन एन कितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है 20 लीटर एक बार 20 लीटर एक बार दो बार प्रक्रिया दोहराई गई है इसलिए पावर होगा टू कभी कभी ऐसे लिख देता है कि यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई मतलब एक बार ये दो बार और दोहराई गई मतलब तीन बार ये एक बार ये और बोल दे आगे ये प्रक्रिया चार बार और दोहराई गई तो चार बार और दोहराई गई एक बार ये पांच बार ऐसे भी लिख देता है ठीक है यह चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है अब देखिए आप सभी स्टूडेंट आप फटाफट आंसर देंगे देखिएगा यह हुआ अस्सी ध्यान दीजिएगा गुने अस्सी अस्सी में से बीस साठ बटा का अस्सी तो यह साठ बटा का अस्सी का पावर दो है तो गुने दो बार लिख देंगे साठ बटा का अस्सी ठीक है अस्सी से अस्सी कैंसिल हो जाएगा बीस चौक को अस्सी होगा बीस तियाई साठ होगा चार से यह कटेगा चार से पंद्रह चौक साठ पंद्रह तिया पैतालीस पैतालीस लीटर हाँ बताए पैतालीस लीटर आंसर होगा नहीं पैतालीस आंसर नहीं होगा हम क्या निकाले हैं शेष एथेनॉल हम लोगों से पूछ रहे हैं इस ड्रम में कितना पानी लीटर में बचा बताइए ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट एथेनॉल बचा है कितना हाँ टोटल मिश्रण कितने का है ध्यान दीजिएगा 80 का है और इसमें अब एथेनॉल 45 ही बचा है तो पानी की मात्रा क्या होगी इसमें पानी क्या होगा जो पानी होगा वो क्या होगा टोटल मिश्रण 80 का है 80 में से एथेनॉल यानी 45 घटा देंगे तो 80 में से 45 घटाएंगे 35 लीटर ये क्या होगा पानी होगा आंसर होगा आप लोगों का 35 लीटर आंसर होगा क्या 35 लीटर चलिए हाँ फोर्टी कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे ये शेष एथेनॉल की आया है हम लोगों को बताना क्या है प्रश्न में देखिएगा कभी कभी स्टूडेंट गलत दे देते हैं आंसर, आंसर दे देते हैं लेकिन 45 आपको आंसर नहीं देना है। अब इस ड्रम में कितना पानी लीटर में बचा पानी पूछ रहा है हम लोग निकाले क्या है इस फॉर्मूले से आता क्या है जो मिश्रण होता है जैसे एथेनॉल का है तो एथेनॉल वाटर का, मिल्क का रहेगा तो मिल्क आएगा एल्कोहल का रहेगा तो एल्कोहल आएगा लास्ट में जो बच रहा है ये पानी नहीं है हाँ, तो पानी लाने के लिए क्या करेंगे आप सब स्टूडेंट एथेनॉल घटा देंगे टोटल क्योंकि ये टोटल मिश्रण क्योंकि अभी भी 80 लीटर का ही है बस इसमें दो बार क्या किया गया है दो बार क्या किया गया है हाँ दो बार इसमें पानी मिलाया गया है ठीक है हाँ बीस लीटर एक बार क्या किया गया है इसमें से एथेनॉल निकाला गया है फिर एक बार बीस लीटर उसकी जगह पे पानी फिर एक बार मिश्रण निकाल के फिर पानी ऐसे किया गया है हाँ चीज समझना है पैंतीस आ रहा है बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट का पैंतीस लीटर आंसर आ रहा है उम्मीद करते हैं समझ गए हैं ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लीजिए एकदम आसान है अच्छे से देख लीजिए हाँ क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर, -फोर, -फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से समझना है ध्यान से देखना है हाँ देखिएगा अच्छे से समझना है क्वेश्चन है चालीस लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात फाइव थ्री है आठ लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात है क्या होगा ध्यान दीजिए 40 लीटर मिश्रण है एल्कोहल और जल का किसका एल्कोहल और वाटर का अनुपात क्या है फाइव इज टू थ्री है अब इसमें बोल रहा है आठ लीटर मिश्रण निकालकर देखिए अगर मिश्रण में से आप एक चम्मच भी निकालेंगे ध्यान दीजिएगा तो फाइव थ्री के ही रेशियो में निकलेगा मिश्रण में आठ लीटर निकालेंगे तो फाइव टू थ्री के रेशियो में ही निकलेगा अगर मिश्रण में हजार लीटर निकालेंगे तो क्या होगा फाइव टू थ्री के ही रेशियो में निकलेगा एक बूंद भी मिश्रण में अगर आप निकालेंगे

अब ये बोलिएगा कि सारा निकल गया ठीक है हाँ समझना आप लोगों को तो ये क्या हो जाएगा एक रेशियो बराबर एक अब यहां देखिए आप, तो इस दे, इस आप, आप इसको पांच और तीन को पांच और तीन को कुछ और भी मान सकते हैं ये चीज देखिएगा आठ लीटर मिश्रण निकालकर अभी आप लोगों को ये चीज पहले थोड़ा सा समझ लेना है कि ये जो मिश्रण है ये जो मिश्रण है वो चालीस लीटर है क्या है चालीस लीटर है यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी आसान हो आप को। 40 लीटर है। तो आप ये समझ लीजिए तो कर क्या होगा पांच अगर, तो अगर एक रेशियो बराबर पांच है समझना है आप सब स्टूडेंट एक रेशियो बराबर पांच है तो पांच रेशियो बराबर ये क्या होगा पच्चीस होगा तीन रेशियो बराबर यह क्या होगा पंद्रह होगा ठीक है हाँ पच्चीस और पंद्रह जोड़ेंगे चालीस कह रहा है आठ लीटर निकाला जा रहा है तो पांच तीन के रेशियो में निकाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें से अगर ये पांच लीटर निकाल दे और ये तीन लीटर निकाल दे तो क्या होगा यहां से आप माइनस करेंगे यहां से पांच और यहां से तीन क्योंकि पांच त्री के पांच और तीन के ही रेशियो में निकालेंगे समझना है आठ लीटर निकालने का मतलब पांच तीन के रेशियो में ही निकालेंगे आप लोग ये चीज थोड़ा सा समझना है पांच तीन के रेशियो में निकालेंगे तो इसमें से पांच मतलब लीटर निकाल दीजिए इसमें से तीन रेशियो मतलब तीन लीटर तो पांच तीन आठ लीटर वाटर इसमें डाल दिया गया है कितना आठ लीटर तो ये रेशियो क्या होगा बीस ये हो गया बारह आठ बीस ये हो गया अब ये जो नया रेशियो हुआ ट्वेंटी हो गया यानी कि जो नया रेशियो होगा एल्कोहल और ध्यान दीजिए सॉरी एथेना ए, 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 एल्कोहल और वाटर का वो क्या होगा वन इज टू वन वन इज टू वन यहां पर थोड़ा सा बस समझना है सिंपल है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बस यही चीज देखना है कि पांच तीन के ही रेशियो में निकलेगा तो हम मान रहे हैं ये पांच लीटर निकाल रहे हैं ये तीन लीटर क्यों क्योंकि आठ लीटर की बात कर रहा है ठीक है हाँ आठ रेशियो बराबर अगर आठ लीटर तो एक रेशियो बराबर एक लीटर तो ये पांच लीटर ये तीन लीटर ऐसे निकाले माइनस किए सिंपल है हाँ उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे तो जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा one is to one हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे इस क्वेश्चन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अब आज के बाद ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ देखिए जो भी क्लासेस चल रही है इन सभी क्लासेस का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके आइए अगले दिन क्लास में आप लोग आएंगे प्रैक्टिस करके आएंगे जो पीछे वाली क्लास चली है उसका रिविजन भी आप लोग करके आएंगे सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए कहीं पे कोई समस्या हो रही है तो आप हमें पराम से भी बता सकते हैं इंस्टाग्राम से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े ने पे में कर जुड़ पे सर्च करके फॉलो कर लीजिए जुड़ जाइए ठीक है वहां मैसेज कर सकते हैं ठीक है और हम आप लोगों को बता दें टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए टेलीग्राम पेसी में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो डेली क्लास की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी ठीक है हाँ और जो आप लोगों की जो आप लोगों की यूट्यूब पे क्लास चल रही है उसको आप लोग डेली ज्वाइन करिए

पैर हो गया मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं आप इसे आप इसे पढ़ा हूँ मैथ मैंने आप से पढ़ा है फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा फौजी बैच जिससे पढ़कर बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ SSC मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी अब पाइए SSC GD 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें